हेलो स्टूडेंट्स, जस्ट कंफर्म कर देना सभी स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आ चुके हैं आप सभी लोग। जल्द से जल्द कंफर्म कीजिएगा। आ गए तो सब लोग स्टूडेंट्स, बता दो जल्दी से, ऑल ऑफ यू। ध्रुव है, श्रेयस, दिनेश, अभिषेक, तो चार्ट्स तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग ने ले लिया होगा, मिल गई होगी चार्ट्स सारे स्टूडेंट्स लोगों को, इज़न्ट इट? सारे स्टूडेंट्स को चार्ट्स मिल चुकी है। कोई बाय चांस चार्ट्स जिन्हें नहीं मिला होगा, फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, टेलीग्राम चैनल में चले जाइए, सीए दुर्गेश सिंह, आज की डेट 12 मई आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। 12 मई का डेट, सीए दुर्गेश सिंह। बाय चांस नहीं किसको अभी तक मिला होगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, प्राइमरी, तो ये टेलीग्राम चैनल की आईडी है, वहाँ पे जाके इसको लेके स्टार्ट कर देना। वैसे ऋषिकेश जी ने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया है, बट इन केस किसी को अगर ये नहीं मिला होगा उनके लिए स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्टेक्स्ट में। ओल्ड कोर्स हो या न्यू कोर्स, आप सभी लोग को पता ही है, ये भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी अटेम्प्ट में इसका 10 मार्क का तो प्रैक्टिकल आता है, प्रैक्टिकल इसका 10 मार्क्स का है, और उसके अलावा एमसीक्यू, तो इसकी कवरेज दोनों लेवल पर है। एक तो 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल है फॉर श्योर, ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स दोनों वालों को, और फिर साथ ही साथ आपको एमसीक्यू भी क्या है अलग से दे दिया जाता है। दैट इज़ द रीज़न वाई इसकी कवरेज अपने आप में अच्छी खासी बन जाती है। कहने का मतलब है अच्छी खासी कवरेज बन जाती है सो फार एज ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर्स आर कंसर्न। इसी के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स व्हाट वी विल डू, पहले तो हम लोग इसमें क्या ना बेसिक एरियाज भी आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए, बेसिक एरियाज भी आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए बहुत केयरफुली। तो इस कॉन्टेक्स्ट में द बेसिक एरियाज ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब विल लुक इन टू दिस पर्टिकुलर पार्ट नाउ, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर पार्ट फर्स्ट, एप्लीकेबिलिटी। अब एप्लीकेबिलिटी में क्या होगा मैं उससे चालू करता हूँ, तो एकदम फंडामेंटल तरीके से चालू करेंगे, फिर एडवांस लेवल पे मैं डिस्कशन लेके जाऊंगा। सो फ्रॉम फंडामेंटल द डिस्कशन विल देन गो टू द एडवांस लेवल। लेट्स स्टार्ट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इन द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात होती है यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी इन द ट्रांसफर प्राइसिंग। आप लोग ये ब्रीफ नोट बना सकते हो, अपार्ट फ्रॉम ये ब्रीफ नोट ही रखेंगे, बाकी मेन तो चार्ट के थ्रू से प्रोविजन में जाना है हमें, लेकिन जो अपना बाजू में एक ब्रीफ नोट के रूप में प्राइमरी ये आप लोग बना सकते हो, ताकि क्या होगा एक सीक्वेंस बनी रहे, एक फ्लो बना रहे, ठीक है ना, एक सीक्वेंस बनी रहे, एक फ्लो बना रहे, और उसी सीक्वेंस और फ्लो के तरीके से ये
डिस्कशन चलता रहेगा। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन स्टूडेंट्स, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप लोग नोटिस करना, एक तो आपका सेक्शन 92(1) ये है, फिर एक 92(2) और फिर एक 92(2A). तो तीन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी बताता है, 92(1), 92(2) और 92(2A). ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा इस सिचुएशन में, दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसडीटी, जो कि आप इसको क्या कहते हो, एज व्हाट, एज द स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, इजंट इट। यहां पे जो बोला गया है वो कुछ ऐसा बोला गया, सबसे इंपॉर्टेंट 92(1) है। क्या बोला गया, एनी इनकम और एक्सपेंसेस अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन shall be determined having regard to the arm's length price। तो गेम है आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, और उस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कोई भी इनकम हो या एक्सपेंसेस हो जो कि क्या होगा, अराइज होगा उस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, तो वो इनकम एक्सपेंसेस को आप डिटरमाइन करेंगे हैविंग रिगार्ड टू द आर्म्स लेंथ प्राइस। ये पर्टिकुलर क्या है, आपका प्रोविजन है। सो दैट इज व्हाट दिस प्रोविजन सजेस्ट। तो मैं आपको बस एक ब्रीफ आपको लिखवा रहा हूं, फिर हम चार्ट में से चले जाएंगे। तो ये वाला जो सेकेंड वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसमें ये आपका होगा, ये कॉमन अलोकेशन, द अलोकेशन ऑफ द कॉमन एक्सपेंडिचर, ऐसा कर दो, अलोकेशन और द अपोर्शनमेंट, अलोकेशन और द अपोर्शनमेंट ऑफ द कॉमन एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, इसका भी एलोकेशन अपोर्शनमेंट होगा हैविंग रिगार्ड टू द आर्म्स लेंथ प्राइस। मैं आपको एक एग्जांपल भी दे दूंगा, हैविंग रिगार्ड टू द आर्म्स लेंथ प्राइस, यहां तक लिख लो आप लोग। So any income or expenses arising in the course of the international transaction shall be determined having regard to the arm's length price। 92(2) mein hai allocation apportionment of the common expenditure or revenue will also be, ye bhi aapko allocation apportionment karna hoga having regard to the arm's length price। Example ke roop mein agar main aapko bataun to ye example hoga students ki dekhiye, इसमें एक कॉमन एक्सपेंडिचर 92(2) का एग्जांपल दे रहा हूं। एचओ एक्सपेंडिचर होते हैं ना, एचओ एक्सपेंडिचर जो हेड ऑफिस लेवल के एक्सपेंडिचर होते हैं, उसको क्या किया जाता है कि सारे ब्रांच में और सारे वेरियस जितने भी उसके एसोसिएट्स एंटरप्राइज होंगे उनमें एचओ लेवल के जो एक्सपेंडिचर है वो अपोर्शन किया जाता है। अब एक टुकड़ा इंडिया के एई को भी मिलेगा, जो इंडिया का एसोसिएट एंटरप्राइज होगा उसको भी एक टुकड़ा मिलेगा। अच्छा, अब इंडिया क्योंकि एक हाई टैक्स ज्यूरिस्डिक्शन वाला कंट्री है, इस चीज को देखते हुए हो सकता है कि वो जो एक्सपेंडिचर होगा उसका एक बड़ा हिस्सा इंडिया को वो क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे, उसका एक बड़ा हिस्सा स्टूडेंट्स वो इंडिया को अलोकेट करेंगे। और अगर एक बड़ा हिस्सा इंडिया को अलोकेट किया जाएगा तो इंडिया वाला जो एई है उसकी पीएनएल डेबिट में एक बहुत बड़ा अमाउंट पीएनएल डेबिट में आ जाएगा, जिससे प्रॉफिट कम हो जाएगा एंड कॉन्सिक्वेंशली द टैक्स लायबिलिटी विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। तो इसी वजह से जो अपोर्शनमेंट और जो अलोकेशन का जो क्राइटेरिया रखा गया था, क्या वो आर्म्स लेंथ बेसिस पर है या नहीं, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये पर्टिकुलर चैप्टर 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो है ट्रांसफर प्राइसिंग का, वो अप्लाई करके पता लगाया जाएगा कि ये जो अलोकेशन और अपोर्शनमेंट किया गया था, वॉज इट हैविंग रिगार्ड टू द आर्म्स लेंथ प्राइस, वॉज इट हैविंग रिगार्ड टू द आर्म्स लेंथ प्राइस। सो दिस इज वॉट दे विल डू।
92.2 की बात कह रहा हूँ, 92.2 जैसे मैंने बता दिया था एसडीडी के कॉन्टेस्ट में। और पहला वाला जो पॉइंट है आपका 92.1, वो 92.1 बताओ क्या कहता है इस कॉन्टेक्स्ट में। 92.1 में एनी इनकम और एक्सपेंसेस अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शैल बी डिटरमाइंड हैविंग रिगार्ड टू द आर्म्स लेंथ प्राइस। तो ये जो भी इनकम होगा एक्सपेंसेस होगा अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उसे डिटरमाइन किया जाएगा हैविंग रिगार्ड टू द आर्म्स लेंथ प्राइस। अब सबसे बड़ी गेम आती है स्टूडेंट्स किसके बारे में, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आता है क्या, द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। और यहीं पर असली पूरी गेम घूम जाती है प्राइमरी, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पे पहली बात तो क्या होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो इसका मतलब है इसको मैं ये कर लेता हूँ, दोनों ये वर्ड को डिटैच कर देता हूँ एक दूसरे से, डिटैच करना जैसे आप डिटैच हो दुनिया से आज की तारीख में, उसी तरीके से इसको भी डिटैच कर दिया जाए। डिटैच ट्रांजैक्शन बिटवीन, ट्रांजैक्शन क्या है, बिटवीन किसके बीच में, किसके बीच में ट्रांजैक्शन, और दूसरा इन रिस्पेक्ट ऑफ किस टाइप का ट्रांजैक्शन आपने किया है। तो किसके बीच में और किस चीज का ट्रांजैक्शन, किसके बीच में और किस चीज का ट्रांजैक्शन, तो किसके बीच में, टू और मोर ए उनके बीच में, उनके बीच में हुआ है ट्रांजैक्शन। और किस चीज का ट्रांजैक्शन आपने किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ, बहुत सारा लिस्ट ले लो यहां पे, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आपको नाम लेना है वो ले सकते हो, isn't it? ऐसे नाम लेते रहे आप, अल्टीमेटली सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, लैंडिंग एंड बोरोइंग, लैंडिंग और बोरोइंग, ठीक है, या फिर क्या, या फिर एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन विच हैज अ बेयरिंग ऑन किस पे, ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द इंडियन ई, किसकी बात हो रही है, ऑफ द इंडियन ई, एनी ट्रांजैक्शन विच हैज अ बेयरिंग ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द इंडियन एई। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ता है, किसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात हो रही है, इंडियन एई की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात हो रही है। आप बोल रहे कि फिर फॉरेन एई के बारे में क्यों नहीं आप कह रहे हो, सर मैं फॉरेन एई के बारे में इसके लिए नहीं कह रहा हूं स्टूडेंट्स, उसकी वजह यह है कि फॉरेन एई जो है उसका इनकम इंडिया में असेस हो ही नहीं रहा है। तो जिसका इनकम असेस हो रहा है और वो इंडियन एई जो कि इस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एई के साथ जो ट्रांजैक्शन वो कर रहा है उसमें वो अपनी इनकम को आर्टिफिशियली रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है सो दैट उसकी कॉन्सिक्वेंट टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, उसे ठीक करने के लिए क्या है ये ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन अप्लाई किया जा रहा है। तो असेसेबल आपका है इंडियन एई और इसी वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन इंडियन एई का, कोई भी ट्रांजैक्शन इंडियन एई का किससे, विथ इट्स फॉरेन एई, जिसका इंपैक्ट उसको मिलता है कहां पे, इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा ये जो इंपैक्ट है ना पीएनएल में, जो इंडियन एई की पीएनएल की बात कर रहे हैं, या तो ये इंपैक्ट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो फर्क नहीं पड़ता। अब आप बोलोगे सर इनडायरेक्ट का मतलब, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, डायरेक्ट का तो एग्जाम्पल आपको पहले ही पता चल गया, मैंने परचेज किया गुड्स किससे, अपने एई से, ये एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट इंपैक्ट का। मैंने सेल किया गुड्स किसको, अपने एई को, सो परचेज एंड सेल ये एग्जाम्पल हो गए किसके, डायरेक्ट पर्टिकुलर केसेस के, ठीक है। इनडायरेक्ट वाले केस सुन लो, मैंने बोरोइंग किया, मैंने क्या किया, एसेट खरीदा है किससे, एसेट मैंने खरीदा है एई से खरीदा है, तो बताएं उसका इंपैक्ट पड़ेगा मेरे पीएनएल में, डायरेक्टली तो पड़ेगा नहीं, क्यों डायरेक्टली पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सीधा बैलेंस शीट एंट्री है, लेकिन क्या ये इनडायरेक्टली इसका इंपैक्ट पड़ेगा आपके पीएनएल में, बिल्कुल पड़ेगा। और वो इनडायरेक्ट इंपैक्ट बताओ किस रूप में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन।
क्योंकि एसेट खरीदा है ना आपने, तो फिर वो ब्लॉक में लेकर जाओगे और फिर वो प्रभावित करेगा किसको, आपके डेप्रिसिएशन अलाउंस को। तो फिर ये जो अलाउंस प्राइमली आपने लिया है डेप्रिसिएशन के रूप में, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या है ये आपको क्या करना होगा, यू विल देन हैव टू एडजस्ट इट बाय वर्च्यू ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन। तो उसमें भी ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये एप्लीकेबिलिटी है, ध्यान रखना कि ये ट्रांजैक्शन को लेके किसके बीच में, बिटवीन टू और मोर ए, किस टाइप की ट्रांजैक्शन देखी जाएगी, कोई भी ट्रांजैक्शन हो बिटवीन द ए जिसका इम्पैक्ट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ता है किस पे, ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द इंडियन ए, वो माना जाएगा एज द एलिजिबल ट्रांजैक्शन, एलिजिबल ट्रांजैक्शन। ठीक है, अच्छा ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैसे होगा, ट्रांजैक्शन को आपको इंटरनेशनल बनाना है, तो कैसे बनोगे इंटरनेशनल, बनना है ना इंटरनेशनल आपको, तो कैसे बनेंगे आप इंटरनेशनल, एटलीस्ट वन ऑफ द नॉन रेसिडेंट, एटलीस्ट वन ऑफ द नॉन रेसिडेंट, सॉरी एटलीस्ट वन ऑफ द ए, एटलीस्ट वन ऑफ द ए इन द ट्रांजैक्शन, शुड बी अ नॉन रेसिडेंट, एटलीस्ट वन ऑफ द ए इन द ट्रांजैक्शन शुड बी अ नॉन रेसिडेंट, बन गए इंटरनेशनल आप फैमिली। बस ये क्राइटेरिया है, तो बस अगर ये क्राइटेरिया की पूर्ति होती है स्टूडेंट्स, तो फिर ऐसे केस में आप 92-1 में अटकने वाले हो, बधाई हो स्टूडेंट्स आप लोगों को, आप 92-1 में अटक जाओगे। 92-1 में अटकने का मतलब क्या है, एप्लीकेबिलिटी के दायरे में आ गए, और अगर ये एप्लीकेबल हो रहा है तो उस हालात में क्या ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन क्या ये लागू किया जाएगा, एंड आंसर इज येस। तो सबसे पहला ये देखा जाएगा कि वेदर द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन इज एप्लीकेबल और नॉट, उसके लिए क्या देखा जाएगा, 92-1 के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो ये पता लगाना होगा वेदर देयर एग्जिस्ट एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और नॉट। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब है ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर ए इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और एनी ट्रांजैक्शन विच हैज अ बेयरिंग आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द इंडियन ए, एंड इन सच ट्रांजैक्शन एटलीस्ट वन और मोर ए इज अ नॉन रेसिडेंट, इन सच ट्रांजैक्शन एटलीस्ट वन और मोर ए इज अ नॉन रेसिडेंट। तो आ गए आप 92-1 के अंदर, वेलकम किया जाएगा आपको 92-1 के अंदर, isn't it? और फिर अकॉर्डिंगली टीपी प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगी। 92-2 का एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले दे दिया था, 92-2 का एग्जाम्पल मैंने दे दिया था, अलोकेशन और अपोर्शनमेंट ऑफ द कॉमन एक्सपेंडिचर, क्या वो भी अलोकेशन अपोर्शनमेंट किया गया है एज पर दी आर्म्स लेंथ प्राइस या नहीं, तो उसके लिए भी क्या होगा ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन अप्लाई किया जाएगा। और आखिरी में 92-2A जो एप्लीकेबिलिटी का है वो किसके लिए है, फॉर दी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? ठीक, तो ये एप्लीकेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बता दिया। अब आप एक बार चार्ट में आ जाइए, तो देखिए जनाब यही चीज मैंने आपको करवा दी थी, यही जो तीन बॉक्स देख रहे हो ड्रम जैसा देख रहे हो आप लोग, हाँ सर आंखें खुल गई हमारी, बिल्कुल सही कहा। तो ये चीज आपके सामने है प्राइमरी 92-1, 92-2 एंड 92-3। फाइन, अब जैसे बताया गया था आपको कि भाई एप्लीकेबिलिटी 1, एप्लीकेबिलिटी 2 एंड एप्लीकेबिलिटी 3, अब जैसे बताया गया था स्टूडेंट्स यहाँ पे 92-3 पे नजर घुमाना स्टूडेंट्स यहाँ पे, इसी के नीचे एक नोट डाला गया 92-3 का, देख रहे हो येलो में, येलो शेड में एक नोट आया, और उसमें बताया गया 92-3 पे हमेशा नजर बना के रखनी चाहिए आपको, किस पे, 92-3 पे। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि 92-3 जो है वो ये कहता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन ये किस सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगा, और आईसीआई ने बारी बारी से इस 92-3 का उपयोग किया है अपने एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में। तो सुनिए स्टूडेंट्स, 92-3 एप्लीकेबल उस केस में नहीं होगा जब आर्म्स लेंथ प्राइस जो आपने ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर को अप्लाई करके डिटरमाइन किया है, आर्म्स लेंथ प्राइस अगर उससे आपकी रिपोर्टेड जो टोटल इनकम है, जो आपने खुद रिपोर्ट की टोटल इनकम, अगर ये आर्म्स लेंथ प्राइस जो हमने कैलकुलेट किया है अगर वो अप्लाई करवा दे, तो आपकी जो रिपोर्टेड टोटल इनकम है वो कम हो जाएगी, या फिर आपका जो रिपोर्टेड लॉस जो था
वो बढ़ जाएगा, तो उस हालात में क्या है, वो हम ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वी विल नॉट बी अप्लाइंग द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन। इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स दूसरे भाषा में डाउनवर्ड एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं हम लोग? डाउनवर्ड एडजस्टमेंट। मतलब कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आर्म्स लेंथ प्राइस जो हम डिटरमाइन करते हैं इन चैप्टर 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जब मैं चैप्टर 10 की बात करता हूं ना, तो हमेशा ध्यान रखना ये चैप्टर 10 है। जैसे आप लिखते हो चैप्टर 6A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, वो क्या होता है, डिडक्शन, उसी तरीके से चैप्टर 10, रोमन 10, चैप्टर 10 की जब बात की जाती है, तो समझ जाना कि ये किसके लिए बात की जा रही है, ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन। तो जब भी हम आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन करते हैं अंडर चैप्टर 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और उस डिटर्मिनेशन करने पे अगर ये देखा जा रहा है कि आपकी जो रिपोर्टेड टोटल इनकम या फिर आपकी रिपोर्टेड लॉस पहले केस में कम हो रही है, दूसरे केस में लॉस बढ़ रही है, तो वो सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपको ये चैप्टर, ये ट्रांसफर प्लानिंग चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। 92.3 स्पेसिफिकली यही कहता है, एक बार साथ में पढ़ लेते हैं हम लोग। एज पर 92.3, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इन द केस वेयर द एडॉप्शन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस शैल रिजल्ट इन व्हाट, डिक्रीज इन द ओवरऑल टैक्सेबल इनकम एंड इंक्रीज इन द लॉस। डिक्रीज इन द ओवरऑल टैक्सेबल इनकम और इंक्रीज इन द लॉस, इसी को मैं अभी हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड एडजस्टमेंट। क्या कहेंगे? डाउनवर्ड एडजस्टमेंट। तो क्या आर्म्स लेंथ प्राइस को अडॉप्ट करके क्या हम डाउनवर्ड एडजस्टमेंट कर सकते हैं? एंड आंसर इज नो, वी कैन नॉट अडॉप्ट द डाउनवर्ड एडजस्टमेंट। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं जो अपन ने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स देखा, जो देखा था ना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आई थी, देखिए ये जो अपन ने किया था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एई। अब ये जो एई का कंसेप्ट है, क्या इसको डिफाइन किया गया है? बिल्कुल किया गया है अंडर सेक्शन 92A एसोसिएटेड एंटरप्राइज को। स्टूडेंट्स क्या ये डिफाइंड है? बिल्कुल डिफाइन किया गया है, और ये डिफाइन किया गया है 92A। अब स्टूडेंट्स 92A का डेफिनेशन आपको पता ही है, आईसीआई देखो एसोसिएटेड एंटरप्राइज पे डायरेक्टली तो क्वेश्चन पूछती नहीं है। हाँ एक अटेम्प में तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अदरवाइज वो पसंद नहीं करती है 92A पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना। बहुत चालाकी से आईसीआई क्या करती है, 92A में जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज का डेफिनेशन दिया है उसको वो इस्तेमाल करती है अपने एग्जिस्टिंग केस स्टडी जो कि वो प्रैक्टिकल लेवल पे बनाता है, उसमें वो आपको आजमा लेगा कि क्या वाकई में आपको पता है कि ये एई का केस है और इस ट्रांजैक्शन में आपको चैप्टर 10 मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन अप्लाई करना है। वो अपने एग्जिस्टिंग केस स्टडी में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो पूछते हैं उसमें वो 92A टेस्ट करते हैं। इसी वजह से थोड़ा सा ध्यान से सुनना जो मैं आप कहने जा रहा हूँ। आप जब भी आंसर लिखोगे ना स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लीज नोट करना, जब आप आंसर लिखोगे तो 92A का आपके प्रैक्टिकल आंसर 10 मार्क कैसे कमाओगे, ऐसे ही बस 4-5 लाइन के स्टेटमेंट बनाने से 10 मार्क नहीं मिलने वाले। आपको प्रोविजन लिखना पड़ता है जनाब, तब जाके ही ये 10 मार्क आपके हाथ में आएंगे। तो ट्रांसफर प्राइसिंग में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि आप पहले पॉइंट में ये बताएं, ये कन्वे करें एग्जामिनर को कि देखिए इस क्वेश्चन में 92(1) की प्रोविजन अप्लाई हो रही है। कैसे अप्लाई हो रही है आप बता दो सिचुएशन कि भाई ये दोनों एई है एंड द ट्रांजैक्शन इज इन द कोर्स ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो पहले तो आप बताओ कि एई है, दूसरा ट्रांजैक्शन किस टाइप का है वो आइडेंटिफाई करना है, एंड द ट्रांजैक्शन इज इन द कोर्स ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मतलब कि क्या, जिसमें एक पार्टी क्या नॉन रेसिडेंट है। ये तीन एस्पेक्ट आपको बताने होंगे, वो तीन एस्पेक्ट रिपीट करें मेरे साथ। क्या बताएंगे आप लोग यहाँ पे? पहले तो वो एई का एक्सपोजर है इस ट्रांजैक्शन में, दूसरा है वो ट्रांजैक्शन किस कैटेगरी का है, क्योंकि वहां पे नोटिस करना है कि वहां पे उस एई का, इंडियन एई का किस, आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वो विजुलाइज करना पड़ेगा कि ये इंडियन एई के पीएनएल में इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट कैसे दिखेगा, इंडियन एई के पीएनएल में ये ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट कैसे दिखेगा, वो प्लीज विजुलाइज करके रखे। ये आपको एकदम एंड में काम आएगा, एंड में जब आप अपनी आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन कर लोगे और फिर जब कंपेयर करने की बारी आएगी किसके और किसके बीच में, द ट्रांसफर प्राइस दैट इज द प्राइस विच इज चार्ज इन द ए ट्रांजैक्शन वर्सेस द आर्म्स लेंथ प्राइस
जो आपने कंप्यूट किया है, तो जब आप ये दोनों में कंपैरिजन करेंगे तब आपको पता लगना चाहिए कि कहीं 92.3 तो नहीं अप्लाई हो रहा है, मतलब डाउनवर्ड एडजस्टमेंट तो नहीं हो रहा है। ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर ये परचेज वाला ट्रांजैक्शन है तो डेफिनेटली ट्रांसफर प्राइस जो है वो आपका ट्रांसफर प्राइस जो है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द आर्म्स लेंथ प्राइस। तब जाके हम लोग ट्रांसफर प्राइस प्रोविजन, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, आर्म्स लेंथ प्राइस को अडॉप्ट करके ट्रांसफर प्राइसिंग के एडजस्टमेंट देंगे। अगर इंडियन एई की तरफ से सेल हुआ है तो ऑब्वियसली क्या हुआ होगा, जो ट्रांसफर प्राइस चार्ज किया होगा इंडियन एई ने वो कम किया होगा एज कंपेयर टू द आर्म्स लेंथ प्राइस, और इसी वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो आपने विजुअलाइजेशन ले लेना है ट्रांजैक्शन का इंडियन एई के पीएनएल में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो विजुअलाइजेशन आपको लेना चाहिए। तो फिर से आइएगा, रिपीट करता हूं, क्या लिखना है पहले पॉइंट पे आपने, वो एई है, ये आप बताएं कि एई का एक्सपोजर बनता है इस क्वेश्चन में। दूसरा है कि वो ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, और तीसरा क्या ये ट्रांजैक्शन इज इन द कोर्स ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब है ये आइडेंटिफाई करें कि भाई इसमें ये पार्टी नॉन रेसिडेंट है और इस वजह से 92.1 का प्रोविजन ही अप्लाई हो रहा है। और फिर बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे जैसे कि आपको करना क्या होगा, आपको मेथड्स ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस का जो डिटरमाइन करने का जो पांच मेथड है उसमें से जो भी क्वेश्चन बना है उस क्वेश्चन के आधार पे आपको एएलपी डिटरमाइन करके फिर फाइनली आखिरी पॉइंट द थर्ड पॉइंट पे करना होगा द ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो ट्रांसफर प्राइसिंग का बनता है उसका आंसर का फॉर्मेट मैंने आपको दिया है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन का फॉर्मेट है ये। एप्लीकेबिलिटी, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस के मुताबिक आपको एएलपी डिटरमाइन करनी है, और फाइनली पॉइंट नंबर तीन, तीसरा पॉइंट में क्या करेंगे जनाब, आप यहां पे करेंगे द ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट, फाइनल एडजस्टमेंट टोटल इनकम में इसका इफेक्ट क्या होगा। और ध्यान रहे कहीं डाउनवर्ड एडजस्टमेंट नहीं होने पाए कि आर्म्स लेंथ प्राइस को अडॉप्ट करके कहीं आपकी टोटल इनकम जो रिपोर्ट आपने की थी वो कहीं कम नहीं हो रही है, या फिर अगर लॉस रिपोर्ट हुआ था आपकी तरफ से ओरिजिनली तो आर्म्स लेंथ प्राइस अडॉप्ट करके आपकी लॉस एग्जिस्टिंग लॉस आप उसमें इजाफा नहीं होना चाहिए, तो ये चीज पे ध्यान रखा जाए। तो अब स्टूडेंट्स एक बार आर्म्स लेंथ प्राइस की तरफ आते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस आर्म्स लेंथ प्राइस। आइए इसमें स्टूडेंट्स देखिएगा, ये चार्ट आपको बहुत लाभ प्रोवाइड करेगा, दिस चार्ट, ये देख रहे हो, कैपिटल बेस कंट्रोल, कैपिटल बेस रिलेशनशिप, तीन टाइप के एक्सपोजर मिल सकते हैं, तीन टाइप के एक्सपोजर मिल सकते हैं जिसकी वजह से वो पार्टीज को माना जा सकता है एज द एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो वो तीन टाइप के एक्सपोजर क्या है, तो पहला वाला है कैपिटल बेस रिलेशनशिप, सेकंड वन बताया गया आपको कंट्रोल बेस रिलेशनशिप, और तीसरा वाला बताया गया है मैनेजमेंट बेस रिलेशनशिप। सो फर्स्ट इज द कैपिटल बेस रिलेशनशिप, कंट्रोल बेस रिलेशनशिप, और आखिरी में क्या मैंने बताया आपको, मैनेजमेंट बेस रिलेशनशिप। अब जहां तक कैपिटल बेस रिलेशनशिप है उस पर नोटिस करना क्या लिखा गया उस पर। अब आप बोलोगे सर इसको याद भी करना पड़ेगा, याद नहीं लेकिन कुछ एक दो पॉइंट में मार्क करके रखता हूं, वो चीज आप लोग ध्यान रखना। उसमें से सबसे ये वाला इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सब्सटैंशियल लेंडर वाला, ये वाला आपको याद रखनी होगी। उसके साथ साथ गारंटर वाली बात ये भी याद रखनी है आपने, देयर आफ्टर इसको भी आप याद रख के चले, सप्लाई डिपेंडेंसी, अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड, और एक लोन वाला भी है आई थिंक। हाँ लोन वाला तो मैंने मार्क, सब्सटेंशियल लेंडर ये है, गारंटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में तो सब्सटेंशियल लेंडर की पॉइंट पे अगर आप गौर करेंगे, सो व्हाट एग्जैक्टली यू विल गेट इट हियर इन, लोन एडवांस बाय एन एंटरप्राइज कॉन्स्टिट्यूट मिनिमम 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द बोरोवर। मिनिमम कितना, 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द बोरोवर। गारंटर फॉर बोरोइंग्स अगर आप वहां पे देखना, जो ऊपर मैंने और एक वो किया है, अगर कोई मतलब ऑब्वियस बात है ना, आप लॉजिकली सोचो कि अगर 51% ऑफ माई टोटल बुक वैल्यू, यहाँ पे बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट उतना तक का क्या है, मैंने एक मेरा जितना 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ एसेट है उतना पोर्शन एक मैंने किससे, एक नॉन रेसिडेंट से क्या किया, एक तरीके से मैंने लोन ले रखा है। तो सोचिएगा जनाब क्या आपकी अब
आप कोई डिक्टेट कर पाओगे उसके साथ जब भी ट्रांजैक्शन करोगे, एंड द आंसर इज नो। आप कभी भी क्या है उनके साथ ये जो अरेंजमेंट होगा ट्रांजैक्शन का वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे नहीं हो सकता, क्योंकि आप उनके एहसान के बोझ से दब गए हो। वो एहसान का बोझ अब आप पे बहुत चढ़ गया। अब आप बोलोगे क्या दे, अभी आप ही दे, जो देना है दे दो, मैं क्या किस मुंह से बोलूं, इजंट इट। तो ये इन्फ्लुएंस करता है, इस टाइप के ट्रांजैक्शन, ये टाइप का रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस करता है क्या, दी टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। और इसी वजह से इनको माना गया है एज द ए, इसी वजह से इनको माना गया क्या, एज द एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है। दूसरे में जैसे बताया गया था कि गारंटर है, यहाँ पे गारंटर ऑफ द बोरोइंग, यहाँ पे एन एंटरप्राइज गारंटीज मिनिमम 10% ऑफ द टोटल बोरोइंग ऑफ द अदर एंटरप्राइज। मिनिमम कितना, 10% ऑफ द टोटल बोरोइंग ऑफ द अदर एंटरप्राइज। तो अगर वो गारंटी करता है मिनिमम 10% ऑफ द टोटल बोरोइंग ऑफ द अदर एंटरप्राइज, तो ऐसे हालात में ये क्या होगा, द गारंटर फॉर बोरोइंग्स, ऐसे हालात पे ये माना जाएगा एज ए गारंटर ऑफ द बोरोइंग। तो दोनों जन बन जाएंगे क्या, ए। ऑब्वियस बात है ना कि मैं भी वही एहसान किया कि आपकी वजह से मुझे लोन मिला है, और आप मेरे जो टोटल मेरे बोरोइंग्स है उसके 10% मेरे जो बोरोइंग्स है उसके 10% बोरोइंग के आप गारंटर हो। तो भाई मैं किस मुंह से अब आपके साथ डिक्टेट करूंगा और टर्म्स रखूंगा ऑफ डूइंग द ट्रांजैक्शन विद यू। इस वजह से दोनों के बीच में एक क्या है, रिलेटेड पार्टी का या एसोसिएटेड एंटरप्राइज का एक्सपोजर ऑटोमेटिकली बन जाता है। उसी तरीके से सप्लाई डिपेंडेंसी, मेरा एक पार्टी है, उस पार्टी से मैं मिनिमम मेरी रॉ मटेरियल जो प्रोक्योरमेंट होती है टू द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम 90% रॉ मटेरियल मैं उसी से अल्टीमेटली क्या करता हूँ, प्रोक्योर करता हूँ। तो आप सोचिए कि मेरा किस लेवल का, क्या लेवल का मेरा एक तरीके से डिपेंडेंसी है उस कंपनी पे। अगर वो कंपनी कल बोल दे कि कल से आपको हमारी तरफ से सप्लाई बंद, तब तो मैं भी बंद हो जाऊंगा, मतलब कि मेरी पूरी कंपनी बंद हो जाएगी। तो आप सोचिए कि हम उसके एहसान तले दबे हुए और मोहताज हो जाएंगे। तो इस वजह से ये दोनों के बीच में एक ए का एक्सपोजर बनता है। एंड फाइनली स्टूडेंट, इस पे आईसीआई ने एग्जामिनेशन पूछा था। देखो ऐसी गेम आईसीआई खेलती है, क्या बोले अभी आप सबको, ये वाला पॉइंट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, क्या बोला गया, अगर मैं चार डायरेक्टर्स है उसमें से दो डायरेक्टर को मैं अपॉइंट करूं, एक कंपनी में चार डायरेक्टर है जिसमें से दूसरी कंपनी के पास राइट है कि वो दो डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, तो इस हालात में क्या दोनों ए, दोनों पर्टिकुलर एंटिटी को ए मानी जा सकती है, कैन दैट बी कंसिडर्ड टू बी एन ए, बताओ। एक कंपनी दूसरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से चार में से दो को अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। तो उस हालात में अगर चार में से वो दो को क्या है वो अपॉइंट कर सकती है, तो क्या ये दोनों कंपनी को ए ही माना जा सकता है, दिस बिकम्स अ इशू अंडर कंसिडरेशन। व्हाट इज योर टेक स्टूडेंट्स, क्या दोनों को ए ही माना जा सकता है चार में से दो? ये क्वेश्चन आया था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मई 19 के अटेम्प्ट में न्यू कोर्स के बच्चों को आया था ये, जल्दी बताओ आंसर। देखिए बिल्कुल सही कहा, मोर देन हाफ की बात रखी गई है, मोर देन हाफ की बात रखी गई है स्टूडेंट्स। एंड नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इन दिस रिगार्ड, यहाँ पे मोर देन हाफ की है तो कम से कम तीन डायरेक्टर आपको अपॉइंट या रिमूव करना पड़ेगा। जगदीश, मोर देन हाफ की बात रखी गई है, तो ग्रेटर देन वाला पॉइंट है ना यहाँ पे, आप खुद ही देख लो, ग्रेटर देन है जगदीश, और यही दिक्कत है इस कॉन्टेक्स में, ठीक है। तो आप एकदम क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आप नोटिस करना, हम लोग कल से जब से नॉन रेसिडेंट एक्सोसिएशन कर रहे हैं, वहां पे मालूम है पोयम हमने किया था, आप नोटिस करो स्टूडेंट्स, एक लिस्ट बनाओ कहां कहां पे ये थ्रेशोल्ड आ रहा है, ये लिस्ट आपको बहुत काम आएगा, और याद करोगे कब, आखिरी दिन पे जब एग्जामिनेशन जाने को हो। आपने शुरू की थी गेम पोयम से, पोयम में गेम शुरू किया था, उसमें आपने ये ए बी ओ आई टेस्ट में, पहला ये था ए बी ओ आई टेस्ट में, वहां पे पैसिव इनकम की बात आई थी। देखो रिवीजन ऐसे होती है आखिरी टाइम पे, जैसे मैंने अभी इसके पिछले वाले सेशन में आपको बताया था, जब हम लोग कर रहे थे एनआरआई, एनआरआई को
कब एग्जेम्पशन मिलती है फ्रॉम फाइलिंग ऑफ द आरओआई, तो वो उसको आपको लिंक करने आना चाहिए विद 115BBA, उसको आपको लिंक करने आना चाहिए विद 115BBA। अगर आप उसे लिंक कर सकते हैं तब जाके ही बात बनेगी स्टूडेंट्स। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? तो ये एक सिचुएशन है जो कि आप लोग को ध्यान रखना है। दूसरी बात जो सेकेंड पर्टिकुलर पॉइंट है, और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आप रेट्स की बात कर रहे हो ना, तो रेट्स में भी तो खासा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ABOI टेस्ट में आपने देखा था कि पैसिव इनकम जो है वो क्या है, मिनिमम 50% लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए ऑफ द टोटल इनकम। लेस देन और इक्वल टू तो बिजनेस एक्टिव माना जाएगा, उसके ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा ये जो बाकी टेस्ट थे, एसेट टेस्ट याद आ रहा है, एसेट टेस्ट, एम्प्लॉय टेस्ट और जो पेरोल टेस्ट थे, याद आ गया आप लोगों को? ये जो टेस्ट है, ये इंडिया में इसकी एक्सपोजर, इंडिया एक्सपोजर, ये आखिरी दिनों के रिवीजन वाली पॉइंट होती है, इंडिया की एक्सपोजर कितनी होनी चाहिए, लेस देन 50%, ये ऐसा लिखा गया है, इंडिया की एक्सपोजर लेस देन 50% होनी चाहिए, ठीक। ये एक रेट हमने देखा था। दूसरा, जब हमने इनडायरेक्ट ट्रांसफर जब किया था, इनडायरेक्ट ट्रांसफर में प्राइमली बताओ क्या देखा था, जब सब्सटैंशियल वाली कंडीशन की बात हो रही थी, सब्सटैंशियल कंडीशन की बात हो रही थी, उसमें उसमें क्या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इंडियन एसेट, ऑफ द इंडियन इन्वेस्टमेंट, ये मोर देन 10 करोड़ की बात हो रही है, मोर देन और इक्वल टू नहीं, मोर देन की 10 करोड़ की बात हो रही है, देख रहे हो आप लोग? और दूसरा जो था, ये जो FMV ऑफ द इंडियन इन्वेस्टमेंट, ये कल जो किया था इनडायरेक्ट ट्रांसफर में, जिसमें सब्सटेंशियल कंडीशन की बात हो रही थी, ऑफ द इंडियन इन्वेस्टमेंट, FMV ऑफ द इंडियन इन्वेस्टमेंट, ये कितना होना चाहिए, ये मोर देन और इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल, ऑफ द FMV ऑफ द टोटल, टोटल एसेट ऑफ फॉरेन कंपनी। ऑफ फॉरेन कंपनी ठीक है, तो ये आ गया इस कॉन्टेक्स्ट में। उसी तरीके से अब आपने करना है तीसरा वाला पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों ने करना है इस सिचुएशन पे, ए के डेफिनेशन में, अच्छा तीसरा आपको याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, एक मिनट, रूल 128 में आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट का जो मैंने कल पढ़ाया था आपको, उसका TT बाइंग रेट किस डेट का लेना है, ये सब बाय हार्ट करने वाले पॉइंट्स में बता रहा हूँ, बारीक वाली चीज, आखिरी दिनों की जो चेकलिस्ट है, बाय हार्ट करने वाले चेकलिस्ट। उसी तरीके से रूल 115 में फॉरेन इनकम को कन्वर्जन का रेट आपको बाय हार्ट करना है, रेट आपको बाय हार्ट करना है, ठीक। कैसे, किस डेट का रेट आपको लेना है, मतलब किस डेट का आपको TT बाइंग रेट लेना है, ये चीज बारीक वाली चीजें होती है जो कि आप ध्यान में रखें। अच्छा, अब आज की बात अगर देखें तो AE का डेफिनेशन, AE के डेफिनेशन में क्या, यहां पे लोन, दूसरा गारंटर, तीसरा सब्सटेंशियल लेंडर, सॉरी सप्लाई डिपेंडेंसी,
सप्लाई डिपेंडेंसी, बिल्कुल जगदीश सही कहा आपने, सही कहा ठाकुर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये आपको याद रखना है, याद रिकॉल करते रहे। और इसका लिस्ट बनने वाली है, यानी कि यहां पर बात खत्म हो गई है, ये आपको आएगा अभी, सेकेंडरी एडजस्टमेंट, थिन कैपिटलाइजेशन, सीबीसीआर, मास्टर फाइल, उसमें भी मॉनिटरी लिमिट्स होंगे। आ रही है बात समझ में? लेकिन याद करोगे आखिरी दिनों में प्राइमरी कि ये एक एक जगह पे मैंने आपको पूरी की पूरी चेकलिस्ट बना के दी है। यही चीज पे अल्टीमेटली आईसीए अपनी असली गेम खेल लेता है, ठीक है? तो मैं आपको चेकलिस्ट का लिस्ट बना रहा हूँ, अब बस इसको एंड में क्या करना वो लिख देना बाजू में, लोन का क्या है, गारंटर का क्या है, सप्लाई डिपेंडेंसी क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या है, ऐसे आपको लिखना होगा और बना के बकायदा रखें अपने साथ, ताकि आखिरी दिनों में यही चीजें काम आती हैं। अलग अलग जगह पे पढ़ते हो ना, तो रेट उस समय पे जब पढ़ रहे हो तब याद रहता है, लेकिन जब पूरी किताब बंद हो जाती है और जब रिकॉल करने की बात आती है, तब दिन में तारे कैसे नजर आते हैं वो आपको पता चल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ा जाए। इफ ये तो आपने लिख दिया इस कॉन्टेक्स्ट में, चलिए अब मैंने बता दिया ना एप्लीकेबिलिटी की बात होती है, तो आपने क्या देखना है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज देखना है और फिर द ट्रांजैक्शन शुड बी इन द कोर्स ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो ये चीज आपने देख लिया। अब आइएगा थोड़ा, ये एक चार्ट मैंने बनाया है, इसमें बहुत बेहतरीन चार्ट है, एक बार आपको दिखवा देता हूँ। देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में चार्ट, ये देखिए चार्ट, तो क्या लिखा है यहां पे स्टूडेंट, वेदर इट इज एसोसिएटेड एंटरप्राइज, अगर क्या दोनों एंटिटी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है स्टूडेंट्स, क्या दोनों एंटिटी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, ये क्वेश्चन है। आप बोलोगे कि नहीं नहीं दोनों लोग एसोसिएटेड एंटरप्राइज है ही नहीं, तो वहीं पे गेम से बाहर आप चले गए। ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन क्या एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा, वहीं पर आप गेम से बाहर है। आप बोलोगे नहीं नहीं एसोसिएट एंटरप्राइज वो है, अगर वो है तो अगला क्वेश्चन पूछिए, वेदर इट इज एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। आप बोलोगे डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन तो आपने करवाया नहीं, करवाऊंगा सब्र रखिए, वेदर इट इज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप बोलोगे कि नहीं ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं है। अच्छा अगर नहीं है तो जल्दी से आप कंक्लूड ना करें कि वो ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं पता लगाओ कि कहीं ये स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में तो अटकेगा नहीं, और स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में अटकने के लिए स्टूडेंट जरूरी है कि जो वैल्यू होगा एग्रीगेट वैल्यू जो होना चाहिए शुड बी मोर देन ₹20 crores, और अगर वो एग्रीगेट वैल्यू जो है ऑफ द ट्रांजेक्शन इफ इट इज मोर देन ₹20 crores अगर है तब गेम में बने हुए, अगर नहीं है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होने के बावजूद भी, क्योंकि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन अगर वो 20 करोड़ के थ्रेशोल्ड को पार नहीं करता तो उस केस में ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। एक चीज यहाँ पे नोटिस करने लायक होती है स्टूडेंट्स कि जहां तक अगर मैं इसकी बात करूँ, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की बात करूँ, वहां पे मुझे कोई भी मॉनिटरी थ्रेशोल्ड नहीं देखना है। एज फार एज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज कंसर्न मुझे कोई भी मॉनिटरी थ्रेशोल्ड नहीं देखना है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की बात करूं तो वहां पे मुझे फिर मॉनिटरी थ्रेशोल्ड देखने की बात आती है। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव टू सी द मॉनिटरी थ्रेशोल्ड, उस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट्स फिर मुझे मॉनिटरी थ्रेशोल्ड देखने की बात आती है, एंड दैट एग्जैक्टली इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो वेदर इट इज अ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन नो, तो फिर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल, और अगर येस है तो फिर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन ₹20 crores, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स ये बस एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी का एक चार्ट है विच आई थॉट टू शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स अभी आप लोग यहां पे ये वाला चार्ट है ना, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट मैंने करवा दिया, जरा एक बार देख लो अगले पेज में स्लाइड नंबर 24 में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, यही जस्ट अभी हमने डिस्कस किया स्टूडेंट, देख रहे हो आप लोग कि ट्रांजैक्शन होना चाहिए बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, देख रहे हो आप लोग बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, और ये जो ट्रांजैक्शन है बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइज इस कॉन्टेक्स्ट में, तो यहां पे
क्या ये ट्रांजैक्शन कैन बी इन राइटिंग? 20 करोड़, ये आपका जो है ये ठाकुर, ये उससे, दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसफर प्राइस, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसकी बात हो रही है। ये जो 20 करोड़ है ना, ये वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है, ट्रांसफर प्राइस की बात हो रही है, ठीक है? तो ये वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। आइए, ट्रांजैक्शन जो है स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन में ट्रांजैक्शन कैन बी इन राइटिंग, वेदर इट इज इन राइटिंग और नॉट कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर इट इज एनफोर्सेबल बाय लीगल प्रोसीडिंग उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? और दूसरा होगा किसके बीच में, इट शुड बी बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइज जिसमें एक का नॉन रेसिडेंट होना जरूरी है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मैंने आपको बताया ना स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन चाहे जो भी हो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसकी वजह क्या है, देखो, परचेज, सेल, लीज, टैंजिबल, इनटैंजिबल प्रॉपर्टी, प्रोविजन ऑफ सर्विस, लेंडिंग और बोरोइंग ऑफ मनी, लेंडिंग और बोरोइंग ऑफ मनी, अलोकेशन और अपोर्शनमेंट, अलोकेशन और अपोर्शनमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी कॉस्ट और एक्सपेंसेस, ठीक है? या फिर क्या, एनी अदर, ये जो लास्ट वाला है ना, यहीं पे गेम चेंज हो जाती है, एनी अदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हैविंग बियरिंग ऑन द प्रॉफिट्स, लॉसेस, इनकम और एसेट ऑफ द एंटरप्राइज। तो मैंने क्या कहा, कोई भी ट्रांजैक्शन, तो इस वजह से इसका जो ये जो दिया गया ना, चार जो आपको कंपार्टमेंट्स दे रखे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको बस क्या याद रखना है, याद क्या रखना है मुझे बताओ, याद यही रखोगे ना आप एट द एंड ऑफ द डे, कोई भी ट्रांजैक्शन एई के साथ आपने किया होगा जिसका इंपैक्ट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन एई के पीएनएल में आना चाहिए। अगर आ रहा है तो फिर उस केस में उस ट्रांजैक्शन को क्या हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मानेंगे? एंड द आंसर इज यस, एंड द आंसर इज यस, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये सिचुएशन बनता है इस कॉन्टेक्स्ट में। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, मैं आपको ये करवाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एसडीटी है स्टूडेंट्स, एसडीटी, जरा एक बार एसडीटी को पढ़ना, तो सारे स्टूडेंट्स एसडीटी को पढ़ेंगे। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, बिल्कुल पीयूष, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ लिया आपने। आइए जरा ये चार्ट में एक बार आना, इसमें एसडीटी पे लिखो, इन द चार्ट द एग्रीगेट ट्रांजैक्शन वैल्यू इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन है, एक्सीड लिखा गया है, कितना, 20 करोड़ का एग्रीगेट ट्रांजैक्शन वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 20 करोड़। तो आ गया और एक पर्टिकुलर लिस्ट, अपने जो एग्जिस्टिंग लिस्ट जो आप लोग बना रहे हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू मत कर कराना, वो क्या होगा आपका, ग्रेटर देन है स्टूडेंट्स, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल ऑन दीज पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ठीक है? तो और क्या लेना है, ए एल पी नहीं लेंगे, ए एल पी शुड नॉट बी मोर देन 20 करोड़, ये नहीं लिखना है आपने। क्या लिख कर आना है, द ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है, ट्रांसफर प्राइस। तो एग्रीगेट ऑफ द ट्रांसफर प्राइस इन द पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में विद द ए, अगर वो 20 करोड़ के ऊपर का थ्रेशोल्ड को पार करता है, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में ये क्या होगा, आपको बोलना होगा कि द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन इज एप्लीकेबल। तो आइए स्टूडेंट्स, अब आ जाएंगे फिर से इसमें, ये क्या केस है आपको ध्यान से देखना है। पहले स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में स्टूडेंट्स, ये देखो, पहले वाले में इंटर यूनिट है, इंटर यूनिट, दूसरे में एंटिटीज हैविंग व्हाट, क्लोज कनेक्शन, ठीक है, एंटिटीज हैविंग क्लोज कनेक्शन, ये दो चीज ही है प्राइमरीली। अब ये क्या पॉइंट है, इस पर आपको थोड़ा सा समझना होगा स्टूडेंट्स। क्या होता है कि अब आप एक कोशिश कर सकते हो, एज एन एसएससी एक कोशिश की जा सकती है, आप बोलोगे किस बात की कोशिश की जा सकती है, कि आप आर्टिफिशियली अपने ट्रांजैक्शन को इन्फ्लुएंस करें।
आर्टिफिशियली क्या होता है कि एक एंटिटी है से ए लिमिटेड, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ए लिमिटेड एक एंटिटी है, उसके दो यूनिट है, एक है एटीआईए वाला और दूसरा नॉन एटीआईए वाला, ठीक है। अब एसएससी तो ए लिमिटेड है, टैक्स तो ए लिमिटेड को पे करना है, जब टोटल इनकम कंप्यूट करेगा तो उसको ये दोनों एंटिटी की पीजीबीपी अलग से कंप्यूट करनी पड़ेगी, और फिर बाद में दोनों मर्ज होके जीटीआई का हिस्सा बनेंगे, फिर चैप्टर 6 से और फाइनली टोटल इनकम। यही ढांचा होगा टोटल इनकम कंप्यूट करने का, क्योंकि मैंने क्या कहा, एसएससी और पर्सन ए लिमिटेड है, टैक्स लायबिलिटी ए लिमिटेड को ही क्या है पे करना है, और उसके वो दो एंटिटी है, एक एटीआईए है दूसरा नॉन एटीआईए है, तो दोनों ही क्या करेंगे डिस्टिंक्टिवली अपनी पीजीबीपी की इनकम बनाएंगे, जो कि बाद में मर्ज हो जाएगा, उससे जीटीआई आपकी बनेगी, जीटीआई के बाद चैप्टर 6 से, चैप्टर 6 के बाद टोटल इनकम। दिस इज हाउ द थिंग्स वुड बी रोल्ड आउट। तो अब क्या होगा कि जब वो पीजीबीपी जब कैलकुलेट होगी, अब नोटिस करना क्या होगा, दोनों के बीच में हो सकता है आर्टिफिशियल ट्रांजैक्शन वो करे। क्यों करेंगे आर्टिफिशियल ट्रांजैक्शन? क्योंकि उनको पता है कि जनाब एटीआईए यूनिट का अगर वो ट्रांजैक्शन करके अगर एटीआईए यूनिट का चाहे कितना भी प्रॉफिट वो इंक्रीज हो जाए, प्राइमरी फर्क तो पड़ना नहीं है। क्यों नहीं फर्क पड़ना है? क्योंकि वही प्रॉफिट अगर एटीआई यूनिट का अगर बढ़ भी जाता है तो भी आगे चल के मुझे चैप्टर 6 में एटीआई एटीआई बी में या 10AA में चाहे जो भी सेक्शन हो उस पे मुझे इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो हो सकता है कि वो एक ऐसा ट्रांजेक्शन करे कि जिसमें नॉन एटीआई की क्या होगी, इसकी प्रॉफिट कम होगी और एटीआई यूनिट की उस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट बढ़ जाएगी। उस तरीके से वो क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल वैल्यू का एक ट्रांजेक्शन एंटर करेंगे। उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, उसका एक एग्जांपल होगा, मान के चलो कि एटीआई यूनिट ने क्या किया, सेल किया है। किसको सेल किया है? टू नॉन एटीआई यूनिट, नॉन एटीआई यूनिट को सेल किया है। तो जब वो सेल करेगा तो ऑब्वियसली वो सेल करेगा एट अ वेरी हायर प्राइस, जिससे एटीआई यूनिट का पीएनएल में सेल में आएगा और नॉन एटीआई यूनिट के पीएनएल में परचेज में आएगा। तो एक का क्रेडिट है, एटीआई का क्रेडिट होगा और इसका डेबिट होगा, और क्योंकि एक आर्टिफिशियली वेरी हाई प्राइस होने की वजह से एटीआई यूनिट का प्रॉफिट बढ़ने वाला है, नॉन एटीआई यूनिट का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा भी तो भी क्या होगा, फाइनली चैप्टर 6 में डिडक्शन तो उसको मिल जाएगा, और ये प्रॉफिट कम हो गया उससे क्या होगा, फाइनली क्या होगा, ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। इसी चीज को अटैक करने के लिए उन्होंने क्या किया है, ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है ऑफ द स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, और उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा कि आप आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से ये इसकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू प्राइसिंग डिटरमाइन करोगे और देखोगे कि जो ट्रांजैक्शन में जो प्राइस चार्ज किया गया था वाज इट हैविंग रिगार्ड टू द आर्म्स लेंथ प्राइस। दूसरा वाला बॉक्स बताओ स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, दूसरे वाले बॉक्स में यहाँ पे क्या कहा गया है, ये वाले बॉक्स में ट्रांजैक्शन विद द एंटिटीज हैविंग अ क्लोज कनेक्शन, मतलब कि होल्डिंग और सब्सिडियरी पकड़ लो, और उसमें भी वही होगा, होल्डिंग कंपनी जानता है कि उसको एक एटीआई की रिडक्शन मिलती है, सब्सिडरी कंपनी को एटीआई की रिडक्शन नहीं मिलती है। अब वो वही करेंगे, ऐसे गेम क्या गेम खेलेंगे कि भाई एटीआई को पता, होल्डिंग को पता है कि मुझे एटीआई रिडक्शन मिल रहा है, सब्सिडरी की आर्टिफिशियली प्रॉफिट बहुत, सब्सिडरी की प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रही है इस साल, तो एक काम करता हूं मैं उसके साथ एक ट्रांजेक्शन करता हूं ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिसपे आर्टिफिशियली मैं अपनी प्रॉफिट बढ़ा दूंगा, वो ट्रांजेक्शन की प्राइस में बढ़ा दूंगा आर्टिफिशियली, सो दैट मेरी अगर प्रॉफिट अगर बढ़ भी जाती है तो भी क्या है, मुझे तो रिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन उससे भला होगा किसका, सब्सिडरी कंपनी का, और उसकी प्रॉफिट कम हो जाएगी क्योंकि उसके लिए तो परचेज होगा, सब्सिडरी कंपनी के लिए प्रॉफिट कम होगा और अकॉर्डिंगली टैक्स लायबिलिटी कम होगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या है, आर्म्स लेंथ प्राइस ऐसे केस में आपको डिटरमाइन करना है, ताकि वो जो ट्रांजेक्शन में जो प्राइसिंग जो चार्ज की गई है पता लगाए कि क्या वो प्राइसिंग चार्ज की गई है हैविंग रिगार्ड टू द आर्म्स लेंथ प्राइस, और अगर नहीं है तो फिर ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट आप करेंगे, जिसमें ये जो नॉन एटीआईए यूनिट ने जो बदमाशी की है ऑफ इन्फ्लेटिंग इट्स परचेज, जिससे उसने अपनी प्रॉफिट कम करवाई है, तो वो उनकी परचेज को ठीक किया जाएगा और उनकी प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेटली बढ़ाया जाएगा, और उनकी प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेटली क्या है स्टूडेंट्स, बढ़ाया जाएगा। लेकिन प्लीज नोट करना स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में एकदम ध्यान से पढ़ना है और ये पता लगाना है कि क्या एग्रीगेट ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इट एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ 20 करोड़। तो उस प्रीवियस ईयर में क्या आपकी जो एग्रीगेट ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है, अभी भी बता रहा हूँ, ट्रांसफर प्राइस आपको देखना है। तो एग्रीगेट ट्रांसफर प्राइस जो आपने अपने एई के साथ एंटर किया है पूरे साल भर में, क्या 20 करोड़ के उसके ऊपर है? अगर है
तो फिर वेलकम आपको किया जाएगा इन चैप्टर 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि आपका ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन है। आप बोलोगे लेकिन अगर सर 20 करोड़ से कम है तो फिर ये चैप्टर में आप आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन नहीं करेंगे, इस चैप्टर में आप आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन नहीं करेंगे, लेकिन तब भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऐसे केस में इलाज होगा फेयर मार्केट वैल्यू का, तो उन केसेस में आप एफएमवी के जरिए क्या होगी इनकी वैल्यूएशन करेंगे, एफएमवी के बेसिस पे ट्रांजैक्शन की वैल्यूएशन की जाएगी। लेकिन अगर आपको ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में आके आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन करवाना है एज पर द वेरियस मेथड्स ऑफ द आर्म्स लेंथ प्राइस, तो उसके लिए जरूरी होगा क्या कि एग्रीगेट ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सीड होना चाहिए बाय मोर देन 20 करोड़, तब जाके ही एएलपी डिटरमाइन करवाई जाएगी अंडर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे ही आपको देखो बेसिक ट्रांसफर प्राइसिंग में स्टूडेंट्स आपने एक चीज नोटिस किया है, आपको ना फंडामेंटल्स लेवल पे बहुत वो क्या करते घुमाते हैं, पूरा फंडामेंटल ज्यादा रहता है ट्रांसफर प्राइसिंग में, और आपको बेस में पकड़ते हैं क्योंकि उनको पता है आपको बेस इतना क्लियर नहीं है। एंड इट इज सीन वेदर वो एपीए का क्वेश्चन हो या जो भी क्वेश्चन होगा वो बेस में अटैक करते हैं, उसके अंदर एक केस स्टडी डालेंगे और उसके छोटे 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 क्वेश्चन डाल देंगे। एक वो तरीका भी होता है उनका कि भाई वो उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं, दो ही टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा है, एक तो सीधा मेथड पे डाल दिया आपको 10 मार्क का मेथड पे क्वेश्चन डाल दिया, या फिर दूसरा तरीका है कि एक केस स्टडी डाल दिया और उस पर चार छोटे छोटे क्वेश्चन बना देंगे और उसके बेसिस में आपको अपने आंसर लिखनी है प्राइमरी। और वो जो केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो आपको ना छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट पे अटकाता है, और ये पता लगाने के लिए आपको एक्सपोज करने के लिए कि आपको वाकई में क्या पता है इसके बारे में। दिस इज वॉट आई सी डज इन द एग्जाम। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया था दो बार आईसीआई ने ट्रांसफर प्राइसिंग में क्वेश्चन गलत पूछा था, ये भी बात है, लेकिन एटलीस्ट एक चीज समझना चाहिए कि जितने भी अभी तक उन्होंने क्वेश्चन पूछे सारे के सारे नए क्वेश्चंस पूछे, वो रिपीट नहीं कर रही है क्वेश्चंस को, प्लीज केयरफुल रहना इसमें, दे आर नॉट रिपीटिंग द क्वेश्चंस। और इसी वजह से मैंने एमटीपी में भी ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जो रिपीट रेट नहीं है, आपको लगेगा कि भाई पहली बार ऐसा सब चीज पहली बार ही कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, कॉन्सेप्ट ही कुछ नया नया लग रहा है, उस टाइप का आपको एक फीलिंग आ जाएगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बेस पकड़ लिया आपने, अब आगे बढ़ना चाहिए, बस एक लास्ट पॉइंट रह गया है, उसके बाद हम लोग मेथड्स में आते हैं। डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स रह गया, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ये देखिए 92B डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो इसमें क्या बोला गया है, देखो दो रेड आपको मिलेंगे, पर्सन अदर देन ए, ये क्या होता है जानते हो, मैं आपको इसका पहले बैकग्राउंड बताता हूं, ये क्यों लाया गया है पहले आप इसको समझने की कोशिश करना स्टूडेंट। इस पे ये एरिया पे अभी तक क्वेश्चन आईसीआई ने पूछा नहीं है, डीम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे, तो ये एग्जैक्टली गेम क्या है पहले आप उसको समझने की कोशिश करना स्टूडेंट। ए अब मुझे पता है कि अगर मेरा डायरेक्ट ए का एक्सपोजर होगा और हमारे बीच में अगर ट्रांजैक्शन अगर हुआ तब तो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर हम दोनों के अगर हमारा ए का एक्सपोजर बनता है, दोनों का ए का एक्सपोजर बनता है और हमारे बीच में अगर ये ट्रांजैक्शन हुआ है तो फिर ऐसे केस में क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग का क्या होगा, ट्रांसफर प्राइसिंग का ये एक्सपोजर बन जाएगा, ये चैप्टर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो जानते हो क्या करते हैं उन लोग कोशिश करते हैं कि ये ए के एक्सपोजर से बाहर रहे, दे इनफैक्ट ट्राई एंड मेक एन एफर्ट, क्या किस बात को लेके कि ये ए का एक्सपोजर से हम लोग बाहर रहे। अब आप बोलोगे कैसे मुमकिन है कि ये ए का एक्सपोजर से बाहर रहेगा, वो कोशिश करेंगे कि बीच में एक डमी को डाल दिया जाए, एक अनरिलेटेड पार्टी को डाल दिया जाए बीच में, तो बीच में आप क्या करोगे एक अनरिलेटेड पार्टी को इंट्रोड्यूस कर दोगे। आप बोलोगे उससे क्या फर्क पड़ेगा और क्या फायदा होगा, तो सुनिए, तो मैं ऐसा करूंगा कि एक अनरिलेटेड पार्टी को बीच में डाल दो और फिर मैं एक प्रायर पहले से एक एग्रीमेंट उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग उसके साथ करूंगा, उसको ये बोलूंगा कि देखना कि मैं तुझे इस पर्टिकुलर प्राइस पे गुड्स बेचूंगा और फिर तू आगे चल के यही गुड्स को मेरे एई को इस प्राइस पे निकाल देना, और ये करने के लिए थोड़ा बहुत कमीशन जो रहेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। तो होगा क्या, मेरा ट्रांजैक्शन उस अनरिलेटेड पार्टी के साथ और फिर बाद में उस अनरिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन मेरे एई के साथ, तो दोनों ही लेग ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या है ए का एक्सपोजर नहीं है, दोनों ही लेग ऑफ ट्रांजैक्शन में ए का एक्सपोजर नहीं है, और इस वजह से हम लोग फिर ये कह सकते हैं क्या कि ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होगा ही नहीं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई, दैट इज द रीजन क्या हुआ है,
ये इन्होंने ये वाला कंसेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब आप देखो ये कंसेप्ट क्या कह रहा है। तो यहाँ पे ये बताया गया, पर्सन अदर देन ए कैन बी ए नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट, प्रायर एग्रीमेंट, देख रहे हो आप लोग, प्रायर एग्रीमेंट की बात रखी जा रही है यहाँ पे, प्रायर एग्रीमेंट और द टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन आर इन सब्सटेंस हैज बीन डिटरमाइंड, किसके बीच में, उस दूसरे पार्टी के बीच में जो कि मेरा ए ही नहीं है। सो इन सब्सटेंस हैज बीन डिटरमाइंड, तो वहां पे किसके साथ आपने डिटरमाइन किया है, इनके साथ, कौन है वो, अ पर्सन अदर देन ए, तो इनका, उनके साथ हमने ये किया है, और इस वजह से प्राइमरी क्या होगा, इस वजह से प्राइमरी क्या होगा, ये मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है किसके और किसके बीच में, मेरे बीच में और वो अनरिलेटेड पार्टी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, दैट इज डीम्ड टू बी व्हाट, एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। और अगर ये मान लिया जाता है कि इट इज डीम्ड टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो क्या ये 92(1) में अटकने वाला है, क्या ये 92(1) में स्टूडेंट्स अटकने वाला है, बिल्कुल अटक जाएगा, एंड दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट। तो ये 92(1) के अंदर ये अटक जाएगा, तो ये सिचुएशन स्टूडेंट्स बनेगा। तो अब आप बोलोगे कि ये कैसे मुमकिन है, डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा, भाई डिपार्टमेंट ये देखेगा पहले तो इंडिया के बाहर गुड्स जो जाते हैं ना, उसके सारे ट्रांजैक्शन के डिटेल्स उनके पास आती है, ठीक है, क्योंकि कस्टम्स में इसकी वैल्यूएशन जाएगी, और फिर एक बार ये हो जाता है और रेमिटेंसेस इंडिया में आती है, आनी तो पड़ेगी पड़ेगी, या तो इंडिया में रेमिटेंस आ रही है या इंडिया से पैसे बाहर जा रहे हैं, दो ही होगा, तो वो ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल लिया जाता है और फिर ट्रेस करते हैं कि भाई आगे वाला पार्टी और जो पीछे वाला पार्टी, ये दोनों रिलेटेड है। तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, बीच में आप बीच में एक फैसिलिटेटर का काम कर रहे हो, ताकि एक फैसिलिटेट कर पाओ कि ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन से ये लोग बच के जा पाए, तो आप ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि 92(b) में कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस अब कर दिया गया है, और वो कंसेप्ट है डीम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो वो जो फैसिलिटेटर का जो काम जो पहले था करते थे सब लोग, जिसके बीच में मैं अनरिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन करूं और वो अनरिलेटेड पार्टी फिर मेरे ए से ट्रांजैक्शन करे, वो जो एक फैसिलिटेटर का जो एक भूमिका निभाया जा रहा था, उसको उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस कंसेप्ट, बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस कंसेप्ट, एंड दैट इज वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। ये पूछा नहीं गया एग्जामिनेशन में, सुनो थोड़ा सा केयरफुल रहना। तो क्या वर्ड देखना आपको क्वेश्चन में, क्या वर्ड आप देखेंगे क्वेश्चन में पता लगाने के लिए कि ये डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया, वो वर्ड होगा प्रायर एग्रीमेंट, प्रायर एग्रीमेंट, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एक बार आपने ये चीज देख लिया स्टूडेंट्स, क्या है देख लिया कि हाँ वाकई में ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन ये 92(1) ये एप्लीकेबल हो रहा है, एक बार ये कंफर्म हो जाता है कि 92(1) एप्लीकेबल हो रहा है, तो बधाई हो, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन आप पे लागू कर दी गई है। तो मैंने क्या बोला, ये मेरा पॉइंट वन है आंसर का, कि भाई एप्लीकेबल हो रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग, एप्लीकेबल हो रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन, एप्लीकेबल हो रहा है, दिस इज माय पॉइंट नंबर वन। और एक बार एप्लीकेबल हो रहा है तो बताइए पॉइंट नंबर टू मैंने क्या बोला आपको थोड़ी देर पहले, अब आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा द आर्म्स लेंथ प्राइस हैविंग रिगार्ड क्या द वेरियस फाइव मेथड्स, पांच मेथड दिया गया है स्टूडेंट्स आपको आर्म्स लेंथ प्राइस को डिटरमाइन करने का, पांच मेथड दिया गया है आप लोगों को, और आपको डिटरमाइन करना है व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड इन दिस केस, कौन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड इन दिस केस। अब ये 94(b) है, थिन कैपिटलाइजेशन, इसको मैं अभी छेड़ूंगा नहीं, और मैं सीधा ये अगले चार्ट में, इसमें देखिएगा आ रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द आर्म्स लेंथ प्राइस, देख रहे हो मुस्कुराता हुआ चेहरा। पीयूष ने पूछा है सर ऐसे डमी कंपनीज फ्रेम करके टैक्स बचाना इजेंट इट टैक्स अवॉइडेंस, बिल्कुल है पीयूष, और उसके लिए गार प्रोविजन है, लेकिन जैसे ध्रुव ने कहा बिल्कुल सही, हमें गार प्रोविजन की तरफ नहीं आना है, क्योंकि अब आ चुका है ये, इसको मैं क्या बोलूंगा, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को क्या बोलूंगा, जैसे ध्रुव ने कहा डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को कहूंगा दी सार प्रोविजन, और सार का फुल फॉर्म क्या है, दी स्पेसिफाइड एंटी अवॉइडेंस रूल, बिल्कुल सही। तो ये गार प्रोविजन आप अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल वाली प्रोविजन है, इजंट इट, तो ये स्पेसिफिक, ये जो प्रोविजन अभी अभी पढ़ा है आपको मैंने,
डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाली, तो उसको हम क्या कहेंगे? एज ध्रुव हैज सेड इट करेक्टली, इट इज नथिंग बट अ स्पेसिफाइड एंटी अवॉइडेंस रूल. डिड यू ऑल गॉट दिस वन स्टूडेंट्स? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता ही है, पांच मेथड हैं आपके पास. आईसीएआर ने भी बराबर क्वेश्चंस पूछे आपको, जो भी आपने किए होंगे क्वेश्चंस वो आपको करने ही है, ध्यान रखना. स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे कि ये सब मेथड्स हैं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग. एक आपका है कप मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड. आप नोटिस करना कि मैंने एमटीपी में मैंने पूछ लिया है कि आप एक चीज सबसे पहले नोटिस करेंगे बिफोर वी प्रोसीड फर्दर. ये पांच मेथड में से मुझे सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि मेरे ट्रांजैक्शन में, जो मेरी ए का ट्रांजैक्शन जो मैंने किया है, उसमें विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, उसमें विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, ये मुझे पता लगाना पड़ेगा विद इन माय ए ट्रांजैक्शन. MAM पता लगाना पड़ेगा, ठीक है. और वही मेथड क्या है अप्लाई होगा. जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूं ताकि आपका थोड़ा दिमाग खुलता रहे. आईसीआई इस पे आपके अटेम्प्ट के लिए क्वेश्चन पूछेगी और थोड़ा भी आपको इसमें आजमाएगी कि क्या आप बता सकते हो कि कौन सा मेथड के अनुसार इस पर्टिकुलर केस स्टडी में आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन करनी चाहिए. आपको वो लेवल पे क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे. एक सिंपल आपको कुछ एग्जांपल देता हूं ताकि आपका थोड़ा माइंड खुलता रहे. लॉरियल कंपनी आपने पता होगा ये कॉस्मेटिक्स में है, ठीक है ना. अब क्या होता है यहाँ पे, लॉरियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, लॉरियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है. अपनी स्टूडेंट ही है जिसने बताया था, उसको इंटरव्यू पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें प्रियंका रॉय, तो उसका तो, और वो ऐसा नहीं कि उसको कोई एक्सपोजर था ट्रांसफर प्राइसिंग की आर्टिकलशिप में, लेकिन देखो इंटरव्यू पे उन्होंने आंसर दे दिया. और अब ये लॉरियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में शी इज अ मैनेजर इन टैक्सेशन में, उसको मैनेजर की जॉब मिली है, असिस्टेंट मैनेजर, बाद में वो मैनेजर पे. क्वेश्चन देखो क्या था, लॉरियल इंडिया में उसको इंटरव्यू पे ये पूछा जाता है कि बताएं हमारी इंडस्ट्री में, और फॉर अस, हमारी इंडस्ट्री मतलब कि फॉर अस, वॉट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड जिसके बेसिस पे आर्म्स लेंथ प्राइस हमें डिटरमाइन करनी है. अब आप सोचें लॉरियल इंडिया क्या करता है, लॉरियल फ्रांस से प्रोडक्ट वो इंपोर्ट करता है, वो इंपोर्ट करेगा ना, लॉरियल फ्रांस से प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा, और फिर क्या करते हैं जितने भी सलून्स है ये सब देख रहे हो आप लोग, वहाँ पे वो उसको दे देता है, बेचता है स्टिकर लगा के अपना, इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाय लॉरियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे करके, ठीक है. तो किया क्या आपने, रीसेल ही किया, तो कौन सा मेथड लगेगा लॉरियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वालों को, कौन सा मेथड लगेगा, द रीसेल प्राइस मेथड, बिल्कुल सही. तो उसको रीसेल प्राइस मेथड, और देखो यही उसने अपना दिमाग लगा के अप्लाई किया, एप्लीकेशन किया उसने कि क्या लॉजिकली होना चाहिए, और इसके बेसिस पे उसको जॉब मिल गई है. और भी ऐसी दो तीन क्वेश्चन डाला गया था उस कॉन्टेक्स्ट में. और एक ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्लस मेथड का मैं एक आपको और एक एग्जांपल देता हूँ. जेपी मॉर्गन चेस मॉर्गन स्टैनली यूएसए का क्या है, बैक ऑफिस ऑपरेशन देखता है. इनको हर महीने वो क्या करते हैं, वो एमआईएस रिपोर्टिंग निकालते हैं, और प्राइमरी हर महीना प्राइमरी उनके लिए वो एमआईएस की रिपोर्टिंग हर महीने वो पेश करते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में जेपी मॉर्गन चेस जो इंडिया के हैं, वो जो एमआईएस रिपोर्टिंग जो देते हैं टू मॉर्गन स्टैनली यूएसए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बताइए जेपी मॉर्गन चेस जो है वो क्या मेथड अप्लाई करते होंगे, विच इज द मेथड विच वुड बी अप्लाइड बाय हुम, बाय जेपी मॉर्गन चेस. उनके लिए है कॉस्ट प्लस मेथड. क्यों? क्योंकि जो बिलिंग होती है, बैक ऑफिस है तो ध्यान रखना, जो बिलिंग होती है किस बेसिस पे बिलिंग होती है, जो भी उनका कॉस्ट है, कॉस्ट में क्या आएगा उनका, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. कॉस्ट में क्या आएगा बताएं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. सीए एक है, बहुत सारे सीए को रिक्रूट करते हैं और बाद में ऑफिस का उनका ओवरहेड्स है, ये सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है. तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट पूरा टोटल करके एक मार्कअप निकालते हैं, इंडस्ट्री का एक फेयर मार्कअप रहता है, वो उसके बेसिस पे अपना क्या करेंगे, इनवॉइस रेज करते हैं एवरी मंथ, और उसके बेसिस पे उनको क्या मिल जाता है, पेमेंट मिलता है. तो अप्रोप्रिएट क्या इनके लिए माना जाता है,
कॉस्ट प्लस मेथड, सो दैट इज हाउ इट हैज टू बी कंसिडर. तो आपको क्वेश्चन देख के वो केस स्टडी देंगे और आपसे पूछेंगे ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड की बताइए जनाब विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड जिसके अनुसार इनकी एएलपी डिटरमाइन करनी पड़ेगी. तो पहले तो आपको कमेंट करना पड़ेगा कि वो एमएएम मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड क्या है जिसके आधार पे इनकी एएलपी डिटरमाइन होगी. और फिर आपने एक बार बता दिया, अब आइए एएलपी डिटरमाइन कीजिए उस मेथड के हिसाब से जो आपने बताया, ठीक है. या तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, पहले से बता दें कि आप एएलपी डिटरमाइन करें एज पर व्हाट कॉस्ट कप मेथड, एज पर रीसेल प्राइस मेथड. लेकिन ये लेवल के क्वेश्चन अब वो बंद करेंगे और अब आपको सोचने पे मजबूर कर दिया जाएगा कि आपके पास केस स्टडी का फैक्ट्स है. अब आप खुद ही एहसास कीजिए और आप फील करें कि कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड होगा जिसके आधार पे एएलपी डिटरमाइन की जाएगी. तो सबसे पहले यहां पे ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड सबसे आसान मेथड यही है, करना कुछ होता नहीं है. आपने कंपेरेबल मेथड का वो आपको बता देंगे कि कंपेरेबल मेथड क्या है, एक कंपेरेबल ट्रांजैक्शन है. अच्छा ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो कंपेरेबल ट्रांजैक्शन होगा दिस कैन बी कंसीडर्ड टू बी आइदर इंटरनल कंपेरेबल और एक्सटर्नल कंपेरेबल. ये जो कंपेरेबल ट्रांजैक्शन जो हुआ है उस क्वेश्चन में उस केस स्टडी में, दैट पर्टिकुलर कंपेरेबल ट्रांजैक्शन कैन बी आइदर इंटरनल कंपेरेबल और इट कैन बी एक्सटर्नल कंपेरेबल. आप बोलोगे इंटरनल कंपेरेबल और एक्सटर्नल कंपेरेबल ये क्या चीज हुई भाई. तो स्टूडेंट्स ये इंटरनल कंपेरेबल और एक्सटर्नल कंपेरेबल का मतलब होगा कि पहले तो जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो मेरा और एई के बीच में वो ट्रांजैक्शन है, ठीक है. अब एक इंटरनल कंपेरेबल का मतलब है कि मैंने, इंटरनल कंपेरेबल का क्या मतलब होगा कि मैंने किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ सिमिलर ट्रांजैक्शन क्या प्राइस में एंटर किया है, मैंने अनरिलेटेड पार्टी के साथ सिमिलर ट्रांजैक्शन क्या प्राइस में एंटर किया है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट इंटरनल कंपेरेबल. इंटरनल कंपेरेबल. और बताएं एक्सटर्नल कंपेरेबल का एग्जांपल फिर क्या होगा कि एक अनरिलेटेड पार्टी ने किसी दूसरे अनरिलेटेड पार्टी के साथ क्या प्राइस में उसने वो ट्रांजैक्शन को एंटर किया है, दैट वुड बी एक्सटर्नल कंपेरेबल. तो कंपेरेबल कप मेथड जो होगा उसमें क्वेश्चन देख के आपको पहले तो अपना खुद का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना जो कि आपने ए के साथ एंटर किया है, और फिर उसके बाद अगले कोई दो तीन लाइन में वो बताएंगे कि वो कौन सा कंपेरेबल है जिसको उन्होंने पिकअप किया हुआ है. वो कंपेरेबल या तो इंटरनल होगा या फिर एक्सटर्नल होगा, जो भी है वो प्राइस आपको पिकअप करना है. और फिर आप इन दोनों में बताए क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, इन दोनों में अब आप वो जो अनकॉमन फैक्टर है, ये अनकॉमन फैक्टर क्या होता है, मतलब कि जो ए ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ए के साथ वर्सेस कंपेरेबल ट्रांजैक्शन में जो भी अनकॉमन फैक्टर होंगे उसको रिकंसाइल करवाना है आपने, वो रिकंसाइल करना है. अब आप ये रिकंसाइल भी कैसे करोगे, ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो भी फैक्टर ए के ट्रांजैक्शन के अंदर मौजूद है आपको उसी के अनुसार क्या है कंपेरेबल का ट्रांजैक्शन को लेकर आना है. जो भी फैक्टर्स ए के ट्रांजैक्शन में मौजूद है या नहीं मौजूद है आपको उसी के अनुसार, आपको उसी के अनुसार ये कंपेरेबल ट्रांजैक्शन को लेकर आना है. तो जो भी फैक्टर्स जो होंगे या जो नहीं होंगे किसमें, ए के ट्रांजैक्शन में, उसी के हिसाब से एडजस्टमेंट करवानी है. किसमें एडजस्टमेंट करवाएंगे आप, कंपेरेबल ट्रांजैक्शन में एडजस्टमेंट करवाएंगे ताकि उसमें भी वही सेम फैक्टर्स होंगे, उसमें भी वही सेम फैक्टर्स जो ए के ट्रांजैक्शन में है उसको उसी तरीके से आपको क्या करना होगा, कंपैटिबल बनाना होगा. और फिर जो प्राइस आएगी आफ्टर डूइंग द एडजस्टमेंट, और फिर जो प्राइस आएगी आफ्टर डूइंग द एडजस्टमेंट, दैट प्राइस विल बी नोन एज द आर्मस्ट्रांग प्राइस. उस प्राइस को आप क्या बोलोगे, द आर्मस्ट्रांग प्राइस. आप खुद ही देख सकते हो इस पर्टिकुलर कप मेथड में यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या लिखा गया, प्राइस चार्ज फॉर सिमिलर गुड्स और सर्विसेज इन अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, क्या प्राइस चार्ज किया गया ऑफ द सिमिलर गुड्स और सर्विसेज इन द अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, तो ये आपने लेना है. और प्लस एडजस्ट क्या है, ये सारे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं हमने. लाइक फॉर एग्जांपल, कुछ कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं और फिर आप उसको ध्यान से सुनना. तो ए का ट्रांजैक्शन जो हुआ है
वो सी आई एफ के वो मान के चलो एफ ओ बी के वैल्यू पे हुआ है, एफ ओ बी के वैल्यू पे वो ए का ट्रांजेक्शन हुआ है, और जो कंपेरेबल जो आपने पिकअप किया है वो कंपेरेबल ट्रांजेक्शन हुआ है एट सी आई एफ वैल्यू। तो जो कंपेरेबल ट्रांजेक्शन की जो प्राइसिंग दी गई है क्वेश्चन में वो सी आई एफ के बेसिस पर है। तो बताओ क्या करना होगा फिर हमें, ए का ट्रांजेक्शन एफ ओ बी पे, कंपेरेबल ट्रांजेक्शन ये सी आई एफ पे, तो हमें भी इसे क्या करना होगा, हमें भी इसे एफ ओ बी का प्राइस पे लाना होगा। इसका मतलब मुझे इंश्योरेंस एंड फ्रेट जो होगा वो बाहर निकालने पड़ेंगे और उसे एफ ओ बी का उसका एफ ओ बी का प्राइस तक लाना होगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि भाई कंपेरेबल का जो ट्रांजेक्शन है वो कम वारंटी पे है और ये एक्स वारंटी पर है, या ए का ट्रांजेक्शन, या उल्टा मैंने बोल दिया, ए का जो ट्रांजेक्शन है वो कम वारंटी पर है और कंपेरेबल ट्रांजेक्शन एक्स वारंटी पर है। तो अगर ये एक्स वारंटी पर है तो इसे बनाइए क्या कम वारंटी पे, कम वारंटी पे इसे आप लेकर आएंगे। सो यू विल देन मेक इट एट कम वारंटी एंड दिस इज हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड। तो कम वारंटी प्राइसिंग पे आप इसे लेकर आए, और यहां पे क्वांटिटी डिस्काउंट मिली है ए के ट्रांजेक्शन में, यहां मिली नहीं है, नहीं मिली है कंपेरेबल ट्रांजेक्शन में क्वांटिटी डिस्काउंट, तो क्या करना होगा आपको उस क्वांटिटी लेवल पे क्वांटिटी डिस्काउंट आप इसको भी दे दे, तो क्या होगा ताकि दोनों के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कंपैटिबल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और फिर ये एडजस्टमेंट करने के बाद ऑन दी इन दी कंपेरेबल ट्रांजेक्शन के प्राइस पे ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको आप कहेंगे एज दी आर्म्स लेंथ प्राइस, और फिर वो आर्म्स लेंथ प्राइस को आप कंपेयर करोगे विद दी ट्रांसफर प्राइस, विद व्हाट, विद दी ट्रांसफर प्राइस, और देखेंगे फिर करना होगा ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट। लेकिन चेतावनी अभी भी वापस से मैं दे रहा हूं आप सभी लोगों को, और चेतावनी क्या है, कहीं से गलती से भी ये डाउनवर्ड एडजस्टमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए, 92.3 पे नजर बना के चलना कि ऐसा ना हो कि जो एएलपी आपने डिटरमाइन की क्या उसके वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपकी टोटल इनकम कम हो रही है या फिर लॉस इंक्रीज हो रही है, अगर हो रही है तो क्या एएलपी मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, एंड द आंसर इज यस, एंड द आंसर इज यस। स्टूडेंट्स ये 92.3 जैसा मैंने एक चीज और आपको डिस्कस किया था असेसमेंट प्रोसीजर में, क्या था वो, 92.3 जैसा अभी जो मैंने डिस्कस किया ऐसे ही एक चीज डिस्कशन में हमारी आई थी, कहां पे, इन असेसमेंट प्रोसीजर के रिवीजन क्लास में, वो क्या था बताइए जल्दी से, देखता हूं कितने लोग इतने फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख रहे हैं, अभी पता चल जाएगा, दो मिनट के अंदर पता चल जाएगा, जल्दी से आंसर दो। ध्रुव ने बता दिया, वैसे बिल्कुल सही कहा, देखो सब स्टूडेंट के ध्यान आंसर आना चालू हो चुकी है। जाहूर ने भी आंसर दे दिया, बिल्कुल दीक्षिता प्रिया उन्होंने आंसर दे दिया, ये डिस्कशन हमारी लगभग हुई थी कहां पे, इन इन दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 147, जब मैं आपको करवा रहा था कि वो किस सिचुएशन में 147 की प्रोसीडिंग को ड्रॉप किया जा सकता है, 147 की प्रोसीडिंग को ड्रॉप किया जा सकता है, तो मैंने बताया था कि भाई जो हमारा असेसमेंट जो हुआ है ओरिजिनली वो हायर साइड पे हुआ है एज कंपेयर टू वो जो इनकम एओ कंसिडर कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ 147, अगर उसको आप कंसिडर कर भी ले तब भी मेरा ओरिजिनल असेसमेंट हायर साइड पे हुआ है, अगर ये चीज एस्टैब्लिश हो जाती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा 147 की प्रोसीडिंग, बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स आप लोगों ने। उसी तरीके से यहां पर भी हम वही देख रहे हैं कि प्रोसीडिंग जो होगी आपको ट्रांसफर प्राइसिंग की जो चैप्टर होगी उसे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एएलपी अडॉप्ट करके अगर ये पैटर्न अगर निकल रहा है, एएलपी अडॉप्ट करके अगर ये पैटर्न निकल रहा है कि टोटल इनकम जो रिपोर्ट एसएससी ने ओरिजिनली किया है वो कम हो जाएगी या जो उसने ओरिजिनली जो लॉस डिक्लेयर किया था वो बढ़ जाएगी, तो फिर भाई ये जो चैप्टर है वो टैक्स अवॉइडेंस
को रोकने के लिए लाया गया है, ये नहीं कि जहां पे टैक्स ज्यादा पे किया है एसएससी ने ओरिजिनली उस पे आप क्या करवा दो, कटौती करवा दो और एसएससी को रिफंड करवा दो। रिफंड के जमाना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में ये आइएगा, आते हैं हम लोग रीसेल प्राइस मेथड पे। फ्रेंड्स रीसेल प्राइस मेथड पे थोड़ा सा ध्यान रखना, रीसेल प्राइस मेथड इस कॉन्टेक्स में यहां पे देखो क्या बोला गया रीसेल प्राइस मेथड में। इसके बाद हम लोग करेंगे एक कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, तो देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये जरूर देखना है। परचेज प्राइस, जैसे कि परचेज प्राइस होगा क्या, आप विजुलाइज करो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। सबसे पहले आपको विजुलाइज करना चाहिए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो ये कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन यहां पे आपने उनसे परचेज किया होगा अपने एई से, जैसे लॉरियल का एग्जांपल मैंने दिया आपको, और फिर वही चीज आपने रीसेल किया है। जो चीज आप रीसेल करते हो ना रीसेल, वो आपने रीसेल किसको किया है, टू एन अनरिलेटेड पार्टी। आपने रीसेल स्टूडेंट्स किसको किया है, ये टू अनरिलेटेड पार्टी को रीसेल किया है। तो जरा कॉम्बिनेशन ये पकड़ने की कोशिश करना कि मैंने परचेज किया फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, ठीक है। परचेज जो किया है वो किससे किया, मैंने प्राइमरी रिलेटेड पार्टी से किया, फिर आगे उसको रीसेल किया टू एन अनरिलेटेड पार्टी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद आपने कंपेरेबल पिकअप करना है। अच्छा, जब कंपेरेबल आप जब पिकअप करोगे तो उसमें दोनों ही लेग ऑफ ट्रांजैक्शन, परचेज और उसके बाद रीसेल, दोनों ही लेग ऑफ ट्रांजैक्शन जो हुआ होगा वो अनरिलेटेड पार्टी के साथ ही हुआ होगा। परचेज कंपेरेबल जो होगा उसमें परचेज जो है और उसके बाद रीसेल जो है वो दोनों ही लेग ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ है विद एन अनरिलेटेड पार्टी, और उससे फिर बाद में जो डिफरेंस रहेगा रीसेल मार्जिन वो हमें पहले पता लगाना है कि कितना है ये रीसेल मार्जिन। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स कुछ ऐसा कुछ कनेक्शन बनने वाला है, रीसेल मार्जिन हमें पहले पता लगाना है इस कॉन्टेक्स्ट में, इन द रीसेल प्राइस मेथड द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू आइडेंटिफाई द रीसेल प्राइस मार्जिन। एक तो आपका है यहां पे ए टू ए, तो ये ए यूएसए, ये ए इंडिया, ठीक है, और फिर बाद में इसको रीसेल आगे किया गया, फाइन। अब ये वाला सिचुएशन है इस कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जो सेकंड पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपको देखना पकड़ना है इसमें वो कौन होगा, अनरिलेटेड पार्टी टू अनरिलेटेड पार्टी, सारा ये लेग है अनरिलेटेड का ही। अच्छा, यहां पर जो हुआ रीसेल हुआ किसको स्टूडेंट्स, टू अनरिलेटेड पार्टी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और यहां तो हमेशा ही सबको अनरिलेटेड को ही क्या हुआ है, ये रीसेल हुआ। अब करना क्या है आपने, ये आपका जो भी प्राइस रहेगा इस कॉन्टेक्स्ट में, जो भी प्राइस रहेगा स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में, आपको करना क्या होगा, इसकी मार्जिन निकालनी है आपने, परसेंटेज ऑफ सेल निकालना है स्टूडेंट्स। बहुत केयरफुल रहना, परसेंटेज ऑन कॉस्ट मत निकालना, क्यों, परसेंटेज ऑन कॉस्ट जो होगा वो कॉस्ट प्लस मेथड में अपनाई जाती है, यहां पे नहीं अपनाते। अब यहां पे ज्यादा एरिथमेटिक यूज हो रहा है एज कंपेयर टू द टैक्सेशन प्रोविजंस। तो रीसेल प्राइस मेथड में परसेंटेज ऑफ रीसेल ये पहला स्टेप होता है आपका, जहां पे परसेंटेज ऑफ सेल आप पहले निकालते हैं, और फिर यही परसेंटेज ऑफ सेल आपको करना क्या होता है, यहां पे आप माइनस करते हो इस पे सेकंड स्टेप में, ये आप यहां पे लेकर जाओगे और अकॉर्डिंगली ये जो परसेंटेज ऑफ सेल है इसको आप माइनस कर दें, इसे आप माइनस कर दें। जैसे माइनस हो जाता है तो फिर ये जो पर्टिकुलर प्राइस आपको मिलती है इस प्राइस को, अच्छा ये जो प्राइस मिलेगी ये रीसेल मार्जिन, ये मार्जिन है ना, मार्जिन आप माइनस करके ये कहां तक आप लेकर जाओगे, ये जैसे आप माइनस करोगे स्टूडेंट्स, जैसे ही ये माइनस होगा तो सीधा आप पहुंचोगे कहां पे, यहां पे मार्जिन आपने माइनस कर दिया। जैसे मार्जिन आपने माइनस कर दिया पहुंचोगे यहां पे, और जैसे यहां पे पहुंच गए तो
तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना होगा, थर्ड स्टेप में स्टूडेंट आपको करना होगा जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं, जो दोनों के बीच में अनकॉमन फैक्टर्स हैं, तो अनकॉमन फैक्टर्स जो होंगे उसकी एडजस्टमेंट दिलवानी है। ये तीसरा पॉइंट है आपका, अनकॉमन फैक्टर्स की एडजस्टमेंट दे के आपको मिल जाएगा क्या, आर्म्स लेंथ प्राइस। एएलपी अनकॉमन फैक्टर्स का आपने क्या करवाना है, अनकॉमन फैक्टर्स का सीधा आपको एडजस्टमेंट यहां पे दिलवाना है आफ्टर रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग व्हाट, रिड्यूसिंग द मार्जिन परसेंटेज ऑन द रीसेल प्राइस। उस पे बाद में जो भी अमाउंट आएगा उसको फिर आप अनकॉमन फैक्टर से एडजस्ट करके आपको मिल जाएगा एएलपी, और अब वो एएलपी को आप कंपेयर करें विथ योर परचेज प्राइस जो आपने परचेज किया है किससे, फ्रॉम दी एई, और उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको अपना डिफरेंस जो बनेगा वो फाइनली अल्टीमेटली आप उसकी ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट करवाओगे। दिस इज हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? तो ये बनता है स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में, देखिएगा अगर आप देखोगे यहां पे रीसेल प्राइस मेथड का, आपको थियोरी पढ़ाता हूं, देखो क्या लिखा है, परचेज प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स और सर्विसेज इन अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है, उसके बाद रीसेल प्राइस ऑफ सच गुड्स एंड सर्विस अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, मतलब कि मैंने क्या बोला, अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन वो पिकअप लेना है, और फिर उसका आगे रीसेल क्या हुआ, तो अनकंट्रोल टू अनकंट्रोल वो दोनों ही लग में क्या होना चाहिए, अनकंट्रोल, फिर उसकी रीसेल क्या हुई है वो पॉइंट नंबर टू, और फिर आप क्या करेंगे, जीपी मार्जिन निकालेंगे परसेंटेज ऑफ व्हाट, परसेंटेज ऑफ सेल के रूप में, और वो एडजस्ट करेंगे, ठीक है, वो स्टेप टू से जीपी मार्जिन को आप रिड्यूस करके, फिर वो रिड्यूस हो जाने के बाद प्राइमरी आप क्या करना है आपने, ये स्टेप नंबर चार पे फाइनली एडजस्ट करोगे क्वांटिटी डिस्काउंट इंश्योरेंस ये सब होगा, ये किस, ये होगा आपका अनकॉमन फैक्टर, दिस इज योर अनकॉमन फैक्टर, इसको एडजस्ट करके फाइनली आपको आ गई आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस, मिल जाएगी स्टूडेंट आपको आर्म्स लेंथ प्राइस। तो देखो पॉइंट नंबर तीन में स्टेप टू जो होगा उस कॉन्टेक्स्ट में आपने माइनस कर देना है जीपी परसेंटेज, और फिर उसके बाद जो भी माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को आप अनकॉमन फैक्टर के साथ फिर एडजस्ट करें, और फिर आपको मिल जाएगा एएलपी, एंड दैट एग्जैक्टली हाउ इट हैज टू बी कंसीडर्ड। ये है आपका द रीसेल प्राइस मेथड। तो उस कॉन्टेक्स्ट में विजुलाइज करके चलना स्टूडेंट्स कि क्या गेम खेली जाएगी, इस तरीके से गेम ये खेली जाती है। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूं इस कॉन्टेक्स्ट में, जरा एक रीसेल प्राइस मेथड पे भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो पहले आपको परसेंटेज ऑफ सेल ये आप निकालें, इसमें सबसे पहला स्टेप है, उसके बाद जो भी होगा वो परसेंटेज वो रीसेल प्राइस में माइनस करके यहां तक पहुंचे, अनकॉमन फैक्टर्स उसकी एडजस्टमेंट करें, और फाइनली एडजस्टमेंट करने के बाद मिल जाएगा आपको एएलपी, और वो एएलपी को आगे जाके आप ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ कंपेयर करके वो फाइनली जो ट्रांसफर प्राइसिंग का एडजस्टमेंट करना रहेगा वो आप करवा दें। लेकिन प्लीज आप एक चीज ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वो डाउनवर्ड एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि नोटिस करना ये जो इम्पैक्ट है, जो इस एई का ट्रांजेक्शन का जो इम्पैक्ट है ये परचेज के लेवल पर है, ठीक है ना, तो एई का ट्रांजेक्शन का जो हुआ है इसका इम्पैक्ट ये परचेज वाले लेवल पर हुआ है। तो मेरा परचेज की जो ट्रांसफर प्राइस है, और जो मैं एएलपी जो मैंने डिटरमाइन यहाँ पे किया है, यहाँ पे जो एएलपी मैंने डिटरमाइन किया है, ऐसा ना हो कि वो एएलपी को अडॉप्ट करके डाउनवर्ड एडजस्टमेंट की तरफ मैं जा रहा हूं, ये कभी नहीं होना चाहिए। तो सोचे कि जो एई के साथ मैंने ट्रांजेक्शन किया है उसको पहले आप पीएनएल का एक ऐसा छोटा सा बना के इसका इफेक्ट कहां पर जा रहा है, परचेज वाला है सेल वाला है और फिर जब एएलपी होगा तो थोड़ा सा अपना एनालिटिकल माइंड निकालना, देखना कि भाई इसका इंपैक्ट क्या है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉट होल्ड विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब स्टूडेंट्स आइए इस कॉन्टेक्स्ट में अब आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, एक क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में शायद आपको करवा देता हूं यहां पे एमटीपी 1 में ही, इनफैक्ट
ये कॉस्ट प्लस मेथड का है स्टूडेंट्स। इनफैक्ट चलो रीसेल का इस मैंने यहाँ पर डाला नहीं है, रीसेल का मैंने इसको जो डाला है ये कॉस्ट प्लस वाला है इस कॉन्टेक्स्ट में, रीसेल वाला क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय सेलफोन लिमिटेड BCL ऑफ मुंबई एंड जापान मोबाइल लिमिटेड ऑफ टोक्यो आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज। BCL इंपोर्टेड 10,000 मोबाइल हैंडसेट फ्रॉम JML फॉर ₹15,000 पर हैंडसेट विच आर सोल्ड टू अनरिलेटेड पार्टीज इन इंडिया, विच आर सोल्ड टू अनरिलेटेड पार्टीज इन इंडिया। ₹20,000 पर हैंडसेट। ₹20,000 पर हैंडसेट, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ इस कॉन्टेक्स्ट में, तो यहां पे स्टूडेंट्स हुआ कि भारती ने क्या किया है, इंपोर्ट किया 10,000 मोबाइल सेट फ्रॉम AE से उसने इंपोर्ट किया, कितने में, ₹15,000 पर हैंडसेट के हिसाब से उसने इंपोर्ट करवाया, ₹15,000 पर हैंडसेट के हिसाब से उसने इंपोर्ट किया, और फिर उसने उसको आगे रीसेल करवाया कितने में, ₹20,000 पर हैंडसेट का, तो वही वाला जो लेग ऑफ ट्रांजेक्शन आपको मिल गया। आगे BCL ऑल्सो इंपोर्टेड, अभी देखो इंटरनल कंपेरेबल आपको दिया जा रहा है इस क्वेश्चन के जरिए, आपको इंटरनल कंपेरेबल मिल रहा है, तो BCL ऑल्सो इंपोर्टेड सिमिलर मोबाइल सेट्स फ्रॉम यूरोप लिमिटेड, यूरोप लिमिटेड से सिमिलर मोबाइल सेट भी उसने इंपोर्ट किया है ऑफ लंडन, विच वॉज सोल्ड एट अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25%। तो अच्छी बात है कि पहले से ही आपने दे दिया, लेकिन जनाब अली 25% ऑन कॉस्ट दिया है, तो ये 25% ऑन कॉस्ट जो उन्होंने दिया है, मैंने क्या बताया रीसेल प्राइस मार्जिन में क्या करना होगा, आपने परसेंटेज ऑन प्रॉफिट लाना, परसेंटेज ऑन सेल लाना है, ये कॉस्ट प्लस मेथड नहीं चल रहा, और इसी वजह से अगर ये 1/4 ऑन कॉस्ट है तो फिर बताइए जनाब क्या होगा, ये 1/4 ऑन कॉस्ट, तो फिर ये कितना हो जाएगा 1/5 ऑन सेल, 25% ऑन कॉस्ट, तो ये क्या हो जाएगा 20% ऑन सेल, याद आ रहा है, ये कैसे निकाला सर, ये कोई टैक्सेशन नहीं है, ये याद करो दसवीं में बंक करके ऐसे हालत हो गई है, सिचुएशन याद आ गई, 1/4, तो 1 क्या हो गया प्रॉफिट, कॉस्ट क्या हो गया 4, इजंट इट, तो अगर प्रॉफिट 1 है कॉस्ट 4 है तो सेल कितना होगा 4+1, 4 कॉस्ट और 1 ये, तो 1/5 उसी तरीके से अगर आपको अगर ये देते 1/5 ऑन सेल तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 आपका है ऊपर न्यूमरेटर में प्रॉफिट, 5 जो नीचे है वो सेल है, तो 5 सेल 1 प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितना हो गया 1/4। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो कि थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे बड़ा अच्छा खासा टेस्ट होता है ट्रांसफर प्लानिंग के क्वेश्चंस में, ये चीज देखी गई है, इनफैक्ट मैंने जो डाला है ना इसमें कुछ मैंने फैक्टरिंग का डाला है, फाइनेंसिंग का, फैक्टरिंग का कंसेप्ट, SFM का कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होता है, आपको होश भी नहीं देगा कि वो क्या है फैक्टरिंग का कंसेप्ट, एक क्वेश्चन है MTP 1 में जो मैंने फाइनेंसिंग जो हुई है उसका फैक्टरिंग का कंसेप्ट डाल के रखा है, SFM में ये है वाला पॉइंट, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालते हैं यहाँ पे आया नहीं अभी तक एग्जामिनेशन में, लेकिन बस आप ही का आइटम का इंतजार चल रहा है कि आप कब आओगे आइटम में और ऐसे क्वेश्चन डाल देंगे। आइए जल्दी से
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 25% ऑन कॉस्ट, तो पहला काम हमें करना है जो रीसेल प्राइस होगा उस पे आपको 20% माइनस करना है। तो आपका रीसेल प्राइस दे रखा है 20,000 रुपये पर हैंडसेट का दे रखा है ना उन्होंने, तो पहला ही काम आप करोगे क्या, 20% से 20,000 को वो निकाल देना आप लोग बाहर। सो यू विल जस्ट रिमूव दैट, और फिर बाद में जो अमाउंट आएगा उससे आप क्या करेंगे, अनकॉमन फैक्टर्स का एडजस्टमेंट करेंगे। उससे आप क्या करोगे, अनकॉमन फैक्टर्स का एडजस्टमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। जेएमएल ऑफर्ड क्वांटिटी डिस्काउंट, तो जेएमएल की तरफ से स्टूडेंट्स क्वांटिटी डिस्काउंट है एट ₹2,000 पर यूनिट, एंड वेयर एज दी ईएल ऑफर्ड, जो ये ईएल जो है ये अनरिलेटेड पार्टी है, ये जो ईएल है ये अनरिलेटेड है, ध्यान रखना। तो जेएमएल जो है ये रिलेटेड है, तो जेएमएल रिलेटेड पार्टी की तरफ से क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रही है और ईएल की तरफ से डिस्काउंट सिर्फ 800 की मिली है, तो ठीक है 800 की ही सिर्फ डिस्काउंट दी गई है और इनकी तरफ से 2,000 की डिस्काउंट है। आगे द फ्रेट एंड द कस्टम्स ड्यूटी पेड फॉर इंपोर्ट फ्रॉम ईएल हैड कॉस्ट, बताइए कितना था। ये जो ईएल से जो हमने ये जो फ्रेट एंड कस्टम ड्यूटी जो पे किया है उसकी कॉस्टिंग कितनी बन रही है, 1500 पर यूनिट। इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज फ्रॉम ईएल जो कि अनरिलेटेड पार्टी है, उसमें टुवर्ड्स फ्रेट एंड कस्टम ड्यूटी वॉज ₹500 पर यूनिट। अब स्टूडेंट्स आपको एक काम करना पड़ेगा, इसका जरा एमएम तो आपको पता चल चुका है और वो आपका क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड आपका रीसेल प्राइस मेथड, जल्दी से आप इसका एएलपी निकालो, जल्दी से इसकी एएलपी आप लोग निकालेंगे। ऑल ऑफ यू एएलपी तुरंत के तुरंत निकाला जाए, कैलकुलेट जल्दी करो। जल्दी कैलकुलेट करना, सब लोग कोशिश करेंगे एंड गेट योर आंसर क्विकली।
बाकी सारे स्टूडेंट्स का आ चुका है। सब लोगों ने कर लिया है यहाँ पे, बाकी बहुत अशोका आपका आंसर जो है प्रिया, पीयूष, श्रेयस ठाकुर, जसप्रीत, ध्रुव 15,800, अशोका एंड दीक्षिता 15,200। जल्दी से बाकी लोग बता दें जल्दी एक बार। और कुछ है तो बता दो, लास्ट के 10 सेकंड है। तानिया का भी आ गया, दिनेश, शिव, तो स्टूडेंट्स एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे यहां पे, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, पहले तो आपने 20% हटाना है। पहले तो आप लोग 20% हटा दोगे फ्रॉम दिस 20,000, तो 20% जैसे हटा ऑन द सेलिंग प्राइस, 20% तो हटेगा, तो ये बन जाएगा 16,000। अब 16,000 में से आपको वो दो एडजस्टमेंट करने, तो JML ऑफर्ड क्वांटिटी डिस्काउंट एट 2,000 पर यूनिट एंड वेयर एज EL ऑफर्ड क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 800 पर यूनिट। ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे क्वांटिटी डिस्काउंट इसका सिर्फ 800 का ही डिस्काउंट था, मतलब इसका परचेज ज्यादा है। सोचो ना, लॉजिकली सोचो, परचेज प्राइस इसका ज्यादा है, तो परचेज प्राइस ज्यादा होने की वजह से इसकी मार्जिन कम हुई होगी। तो फिर उसका मतलब क्या है कि मुझे इस पर्टिकुलर वैल्यू में से क्या है, मुझे 1200 रुपए का इफेक्ट ज्यादा मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इनका इनकी मार्जिन ज्यादा है, क्योंकि इसकी डिस्काउंट ज्यादा है। लॉजिकली सोचो क्या है, इसके डिस्काउंट ज्यादा है, इस वजह से इसकी मार्जिन भी ज्यादा है। तो इस वजह से मैं फर्दर रिड्यूस करूंगा, मैं फर्दर रिड्यूस करूंगा इन दैट कॉन्टेक्स्ट। मार्जिन ज्यादा होने की वजह से फर्दर रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि ये 2,000 पर यूनिट के हिसाब से उसने डिस्काउंट दे रखा है, जबकि यहां पे 800 रुपए पर यूनिट के हिसाब से क्या हुआ है, डिस्काउंट गया है। और क्योंकि ये 2,000 पर यूनिट के हिसाब से डिस्काउंट है और दूसरी जगह पे 800 रुपए पर यूनिट के हिसाब से ये डिस्काउंट है, तो स्टूडेंट्स एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि यहां पे मार्जिन ज्यादा है, और क्योंकि मार्जिन ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, 1200 रुपए फर्दर रिड्यूस करूंगा, क्योंकि मार्जिन ज्यादा होने से रीसेल और मार्जिन बढ़ जाएगा, तो मैं वो ज्यादा और रिड्यूस करूंगा। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो यहां से कितना निकलेगा, 1200 रुपए निकलेगा। नाउ द फ्रेट एंड कस्टम ड्यूटी पेड फॉर इंपोर्ट फ्रॉम EL, अच्छा 1200 माइनस करने से कितना आ गया मेरा, 16,000 माइनस 1200, तो अभी आया है आपका ये 15,000 रुपये, 800, 15,800 यही हुआ ना, 15,800 अभी आ चुका है, सॉरी 14,800, 14,800 रुपये ये हो चुका है। अब आगे जाते हैं, लास्ट एडजस्टमेंट, द फ्रेट एंड कस्टम ड्यूटी पेड फॉर इंपोर्ट फ्रॉम EL हैड कॉस्ट
हेड कॉस्ट BCL कितना, ₹1,500 पर यूनिट इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज फ्रॉम। अच्छा ये वाले में स्टूडेंट्स ये EL नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये EL नहीं है भाई, ये JML है, ये JML है, दोनों EL कैसे हो सकता है, इजंट इट? ये ठीक कर लो, ये JML। सो द फ्रेट एंड व्हाट, फ्रेट एंड कस्टम ड्यूटी पेड फॉर इंपोर्ट फ्रॉम EL हैड कॉस्ट BCL कितना, ₹1,500 पर यूनिट। इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज फ्रॉम JML द एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स फ्रेट एंड कस्टम ड्यूटी वॉज ₹500 पर यूनिट। तो ऑब्वियस बात है कि इसका जो परचेज प्राइस है किसका, अपना ये जो भाई साहब है अपने AE का परचेज है वो कम है, क्योंकि उसके फ्रेट और कस्टम्स कम है, एज कम्पेयर टू फ्रेट और कस्टम्स किसका, आपके नॉन AE का, उसका बहुत ज्यादा था। इस वजह से क्या हुआ, परचेज ज्यादा होने की वजह से सेम वही लॉजिक है कि इसका क्या है, मार्जिन कम रहेगा, AE जो नॉन AE वाला जो लेग का ट्रांजेक्शन है उसका मार्जिन कम रहा, आपने लिया होगा, क्यों लिया होगा, क्योंकि उसका परचेज प्राइस ज्यादा है। क्यों, वजह क्या है परचेज प्राइस ज्यादा होने का, ये 1,500 पर यूनिट का हिसाब है, तो उस हिसाब से उसका परचेज ज्यादा था, रीसेल प्राइस मार्जिन कम लिया है, कम लेके आपने कम रिड्यूस किया है, तो कम रीसेल मार्जिन आपने रिड्यूस करके आप पहुंचे वहां पे, तो कितना डिफरेंस और एक्स्ट्रा आपको रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करना है आपको 1,000 का, तो इसमें से फिर आप क्या करोगे, 1,000 को आप फर्दर रिड्यूस करोगे, तो बताइए कितना आपको फाइनली आ जाएगा, 1,300-800, 13,800, 13,800। ये इस तरीके से गेम खेली जाएगी स्टूडेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेल प्राइस मेथड। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉट होल्ड विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका रीसेल प्राइस मेथड का ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि आप लोगों को बताया गया। फाइन, अब एक मेथड आपको बता दूंगा, आप लोगों को उसको बाद में ब्रेक में MTP1 के जरिए आपको उसको सॉल्व करना है। MTP1 का एक क्वेश्चन होगा, कॉस्ट प्लस मेथड का एक क्वेश्चन, वो आपको बता देता हूं और आप प्लीज उसको सॉल्व करें। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से, यहां पे एक कॉस्ट प्लस मेथड का मैं वो करूंगा आपको, फिर ब्रेक में क्या करना है वो कॉस्ट प्लस मेथड का वो क्वेश्चन MTP1 से एक बार सॉल्व कर लेना ब्रेक के टाइम पे, और फिर बाद में रिज्यूम करते हैं और फिर अपनी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए जल्दी से कॉस्ट प्लस मेथड की तरफ आते हैं। यहां तक कंप्लीट हो गया स्टूडेंट सब लोग? कोई क्वेरी है तो जल्दी पूछ लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। रीसेल प्राइस मेथड कंप्लीट हो चुकी है। ध्रुव ने ओके कह दिया। आगे बढ़ो। अशोका ने बोला है कि 1,200 लेस क्यों हुआ, मैंने बोला ना 1,200 लेस करना होगा, क्योंकि आप लॉजिकली सोचो अशोका, इनकी क्वांटिटी डिस्काउंट 2,000 है और जबकि इनकी सिर्फ 800 है क्वांटिटी डिस्काउंट, इसका मतलब जो अनरिलेटेड पार्टी से जब मैंने परचेज किया था उसका परचेज प्राइस ज्यादा है कि कम है, पहले ये बताओ अशोका, कि ये जो परचेज प्राइस है 800 का, और जबकि मेरा परचेज प्राइस कितना था, ₹2,000 AE के ट्रांजैक्शन में, नॉन AE के ट्रांजैक्शन में परचेज प्राइस में डिस्काउंट कितना था, 800 का, तो डिस्काउंट कम मिला है, जिसका मतलब परचेज प्राइस मेरा ज्यादा रहेगा इन द नॉन AE ट्रांजैक्शन, और अगर मेरा परचेज प्राइस ज्यादा रहेगा इन द नॉन AE ट्रांजैक्शन तो क्या हुआ होगा, मार्जिन कम होगी, क्योंकि वो परचेज प्राइस मेरा रिलेटिवली ज्यादा है, क्योंकि डिस्काउंट सिर्फ 800 का ही था, तो उससे मेरा परचेज प्राइस ज्यादा होगा इन द नॉन AE ट्रांजैक्शन, तो जो रीसेल प्राइस मार्जिन जो मैंने निकाला है वो कंपेरेटिवली क्या होगा, वो कंपेरेटिवली कम है, क्योंकि परचेज प्राइस ज्यादा होने की वजह से वो रीसेल प्राइस मार्जिन जो बना होगा वो डेफिनेटली कंपेरेटिवली वो कम है, और वो कम रीसेल प्राइस मार्जिन मैंने क्या किया है, रिड्यूस किया है, तो उससे डेफिनेटली मेरा वो जो एक्स्ट्रा जो मुझे ज्यादा करना चाहिए था वो मैं एक्स्ट्रा का इफेक्ट दे रहा हूं, और वो 20% और ये दोनों का जो डिफरेंस है तो वो मैं फर्दर क्या है उसको रिडक्शन दे रहा हूं। सेम वही जो लॉजिक जो मैंने 1,500 का फ्रेट के कॉन्टेक्स्ट में डाला था। हाँ वो एक्चुअली ठाकुर उसकी वजह से, क्योंकि मैंने वो JML के वो उस कॉन्टेक्स्ट में आया होगा, वो JML था ना, वो गलती वहां पर हो गई थी, वो क्वेश्चन में एक्चुअली वो जो आपने रिवर्स लिया था वो इसके लिए ले लिया था रिवर्स, क्योंकि
आप लोगों ने वो EL EL दोनों ही था, इस वजह से गलती हो गई तो मैंने सुधार दिया है। वो आखिरी वाला JML है। अब वो JML वाला भी वही सेम वाला है जो मैंने, ये वाला जो फ्रेट वाला भी एग्जाम्पल स्टूडेंट वही सेम है। इन्होंने फ्रेट, आप सोचो EL का फ्रेट में परचेज में 1500 का, जो अनरिलेटेड पार्टी के फ्रेट में परचेज में 1500 का फ्रेट लगा हुआ है, तो उसका परचेज ज्यादा है। और रीसेल प्राइस जो भी रहा होगा उससे जो मार्जिन है कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी परचेज बहुत ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि 1500 के प्राइस के लेवल पे आपने क्या किया है, उसकी परचेज लिए और फिर उससे मार्जिन आपने तय किया होगा, तो इसका मतलब लोअर मार्जिन ही आपने क्या है, रिड्यूस किया है, जबकि ज्यादा मार्जिन को रिड्यूस करना चाहिए था। अगर हम AE के ट्रांजैक्शन से कंपेयर करें, इस वजह से ज्यादा मार्जिन अगर रिड्यूस करते तो और कम वैल्यू हो जाता। अगर ज्यादा मार्जिन अगर हम रिड्यूस करते तो और कम वैल्यू होता, तो इस वजह से हम फर्दर रिड्यूस कर रहे हैं ताकि वैल्यू को और कम किया जा सके। दैट इज द रीजन फॉर दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्लस मेथड में आ जाओ। स्टेप्स पे नोटिस करना, क्या स्टेप्स होगा, जैसे मैंने कहा ना आपको JP मॉर्गन का भी एग्जांपल मैं दे रहा था आप लोगों को, तो कॉस्ट प्लस मेथड में जो पर्टिकुलर पॉइंट था उसमें टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये सबसे पहला स्टेप के अनुसार आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। ये पहले डिटरमाइन करना है AE के ट्रांजैक्शन में कितना है कॉस्ट, दोनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो आप ऐड कर लें। उसी तरीके से टोटल कॉस्ट इन एन अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन जो होगा, जो अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो होगा, उसकी भी टोटल कॉस्ट निकालना है। फिर आपने प्राइमरी, फिर आपने क्या करना है इस पॉइंट नंबर 3 में, ग्रॉस मार्जिन इन स्टेप 2 वो करनी है। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है, ये जो ग्रॉस मार्जिन जो होगा वो आपने प्राइमरी वो पता लगानी है स्टेप 2 की। अच्छा, अब इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी ग्रॉस मार्जिन होगा नॉन AE के ट्रांजैक्शन का, एक बार आपने वो पता लगा लिया, उसको फिर आप आगे क्या करोगे, एडजस्ट करोगे ग्रॉस ग्रॉस मार्जिन विद अनकॉमन फैक्टर, विद द अनकॉमन फैक्टर। ये एडजस्ट GP किससे करोगे, ये एडजस्ट GP लिखा हुआ है, किससे एडजस्ट GP करोगे, ये एडजस्ट करना पड़ेगा ग्रॉस मार्जिन विद द अनकॉमन फैक्टर। तो जो भी अनकॉमन फैक्टर होंगे उससे आप इसे एडजस्ट कीजिए, तो जो एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन है वो एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन आप वो ALP पे से क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। वो जो एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन है वो आप ALP से क्या करना है, आपने रिड्यूस करना है एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन, और फिर सॉरी आपने जो एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन है सॉरी सॉरी जो एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन है वो आपका क्या होगा, जो कॉस्ट है ये वाला कॉस्ट, AE के कॉस्ट, AE का जो टोटल कॉस्ट है वो आप क्या करेंगे, AE का टोटल कॉस्ट को ऐड करेंगे विद दी एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन जो आपने निकाला है, उससे क्या मिल जाएगा आपको ALP, और वो ALP से फिर आप क्या कंपेयर करोगे, ALP से कंपेयर करेंगे विद द ट्रांसफर प्राइस विच इज बिन चार्ज। तो वो JP मॉर्गन का एग्जाम्पल ही अगर आप देख लो, तो वो जो टोटल कॉस्ट है JP मॉर्गन का, जो 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 टोटल कॉस्ट है JP मॉर्गन का, वो आप क्या करोगे, उसको ऐड करेंगे विद दी एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन से, और फिर उससे उसकी ALP निकलेगी। एज कंपेयर टू दैट आप पता लगाएंगे क्या कि उसने एक्चुअली कितना ट्रांसफर प्राइस चार्ज किया है टू मॉर्गन स्टैनली, तो एक्चुअली कितना चार्ज किया है वर्सेस द ALP जो आपने डिटरमाइन किया है, और डिफरेंस दोनों के बीच में बताएंगे क्या होगा, द ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट। इस पे बस एक चीज आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्लस मेथड में एक चीज क्या ध्यान रखेंगे, कॉस्ट प्लस मेथड में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मार्जिन है यहां पे, दिस मार्जिन हैज टू बी अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, जो फाइनली जो मार्जिन निकलेगा और यहां पर भी जो निकलेगा, ये हैज टू बी अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। फाइनली आपको जो निकालना है एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट निकालना है, क्योंकि वो आपको कॉस्ट से ऐड करना है। देख रहे हो आप लोग ALP जब निकालते हो तो कॉस्ट से आपको ऐड करना है, तो ये जो मार्जिन भी निकलेगी वो होगी एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपका कॉस्ट प्लस मेथड, और इसी के चलते आप लोगों को एक पर्टिकुलर ये जो केस स्टडी बना हुआ है इस कॉन्टेक्स्ट में,
क्वेश्चन नंबर फोर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर चार आप लोग सॉल्व करेंगे ब्रेक के टाइम पे, ये वाला एमटीपी वन का क्वेश्चन नंबर चार। अभी भी कह रहा हूं एमटीपी वन अपने टेलीग्राम चैनल पे है, अगर जिनको नहीं मिला होगा आईसीआई की तरफ से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस ये आप लोग सॉल्व करें, ब्रेक ले लेंगे आप लोग प्राइमरी, और वन आवर फ्रॉम नाउ विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग। तो वो वाले आज टीपी आपको हमें कंप्लीट करनी है। बताएं क्या कुछ क्वेरी है तो जल्दी बताओ। ठाकुर ने कहा हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमें उस एक्स्ट्रा डिस्काउंट को प्राइस से लेस करना होगा, एंड हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है इसलिए सेविंग इन कॉस्ट इज अगेन डिडक्टेड। बिल्कुल ठाकुर सही कह रहे हो आप। तो स्टूडेंट्स ठीक है, ये सॉल्व करना है आपने क्वेश्चन नंबर चार कॉस्ट प्लस मेथड, ये आप लोग सॉल्व करोगे कॉस्ट प्लस मेथड ये वाला पॉइंट, और फिर मैं प्राइमरी क्या करेंगे हम लोग आगे भी बढ़ना है विद अनदर मेथड ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड, और फिर उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग की जो दूसरे पहलू है वो हम लोग देख के प्राइमरी इसको रैप अप करेंगे। फाइनली पेनाल्टीज ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग मैंने आपको किस में करवाया था, पेनाल्टीज जो ट्रांसफर प्राइसिंग की पेनाल्टी है वो मैंने असेसमेंट के सेकेंड लेक्चर में आपको करवाया था, तो उसमें पेनाल्टीज ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग मैंने कवर किया था, किया था कि नहीं ईमानदारी से बताओ। बिल्कुल किया था सर, तो वो वहाँ पर होगा 3:15 को। बिल्कुल सही, 1 आवर फ्रॉम नाउ हम अब सेशन चालू करते हैं, लंच टाइम हो गया, तो 1 आवर फ्रॉम नाउ विल स्टार्ट द लेक्चर। तो 1 आवर का एक ब्रेक ले लें, 3:15 को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग के ही होंगे अशोक, आज ट्रांसफर प्राइसिंग कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए 6 बजे के आसपास तो चलना ही वाला है, बट वी हैव टू गो विद द टारगेट्स नाउ, क्योंकि कल की टॉपिक में कम ही असेसमेंट आ जाएगा, तो अब देख रहे हो एक एक करके चीज़ें चेंज होती जाएंगी, तो कल के लेक्चर में कंपनी असेसमेंट का प्रकोप आपको देखने मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स।